अच्छा जी, राउटर जो है वो इसका कोड लिखने से पहले ज़रा पहले आइडिया समझ लेते हैं कि राउटर है क्या चीज़ ना। ये जो हमारा नंबर 3 फोल्डर था इसी की मैं कॉपी बना लेता हूँ और एक्सप्रेस राउटर बल्कि उसको मैं नाम दे देता हूँ जी। हम पढ़ने लगे हैं आज राउटिंग एक्सप्रेस के अंदर, राउटिंग क्या चीज़ होती है, मिनी राउटर क्या होता है, ये हम आज डिस्कस करने लगे हैं। कल लास्ट हमने डिस्कस कर लिया था 5 प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एपीआई प्लस एक उसके अंदर ऑप्शनल भी है 6th, वो भी हमने देख लिया था। ठीक है, इसमें लास्ट क्लास में किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा, लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे ना उससे मुतालिक मैंने एक और आर्टिकल तलाश किया था, रेस्ट एपीआई प्रिंसिपल। तो ये आईबीएम का जो आता है ना आर्टिकल, ये टॉप पे आ रहा था, ये ज़रा बेहतर है उस वाले से ना जो हम लास्ट फॉलो कर रहे थे ना। चीज़ सारी इसमें भी वही है। अरे ये क्या खुल जाता है सामने। बहरहाल 1 2 3 4 5, इन्होंने मेंशन किया हुआ 6 वाले को कि ये ऑप्शनल भी है ना, तो ये ज़रा उससे बेहतर है। लेकिन स्टिल दोनों आर्टिकल जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे और ये वाला, ये दोनों जो है ना ज़रा ब्रीफ हैं, बहुत ज़्यादा ब्रीफ हैं ये। ठीक है, अगर किसी को ये डिटेल में ये वाला टॉपिक पढ़ना हो मज़ीद, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ, रेस्ट एपीआई डिज़ाइन बुक। तो ठीक है जी, ये बुक है, अगर किसी ने डिटेल में पढ़ना हो तो ये बुक से आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये बुक वैसे कितने की है पता नहीं, गूगल बुक पे शायद ये फ्री में भी हो। बता ही नहीं रहे कहाँ पर कितने की है, कैसे हो गया, डाउनलोड कैसे होती है इससे, पता है किसी को? प्रीव्यू दिस बुक। अच्छा, इसके कुछ दो तीन एडिशन भी आए हैं बाद में, ये भी ज़रा देख लीजिएगा कि जो सबसे लेटेस्ट वाला एडिशन है ना वो वाला डाउनलोड कर लेना। अच्छा, अगर यहाँ से बाय कर लो तो ठीक है, नहीं बाय करो तो फ्री में भी मिल जाती है यार आजकल जो है ना। ये और कहाँ पे आ रही है, तो ये वाली बुक है रेस्ट एपीआई डिज़ाइन रूल बुक। अच्छा जी, हम आ जाते हैं अब राउटिंग पे। ये एक्सप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसको मैंने गूगल पे जाके लिखा है ना एक्सप्रेस राउटर, तो ये पहले नंबर पे लिंक आ गया, एक्सप्रेस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। अच्छा, मैं हर चीज़ आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से इस वजह से पढ़ा रहा हूँ ताकि बाद में आप यार ये ना बोलें कि जो है ना सर वो तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि जाहिर है जो चीज़ अभी इस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है ना ये हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, ये चेंज होगी। ऑब्वियसली चीज़ें अपडेट होती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मुझसे दोस्त वो गिटहब इन्होंने आज चलाया बड़े दिन बाद, मे बी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह चेंज हुआ है, लैपटॉप किसी और का था शायद वो, तो उसमें वो लॉगिन में अब 3 ऑप्शन दे रहा है, एक दे रहा है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, एक दे रहा है वो पर्सनल टोकन, और तीसरा पता नहीं एक और भी दे रहा है। तो अब वो मेरे पास आया कि यार ये तो सर कैसे होगा, तो भाई उसको पढ़ के आपने खुद से समझना है कि कैसे होगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट से मैं आपको पढ़ाने का रीज़न ये है कि जब भी नेक्स्ट टाइम आप ये काम करेंगे तो आपने इसी डॉक्यूमेंट को आके फॉलो करना है दोबारा, लकीर के फ़कीर आपने नहीं बनना है। ठीक है, इवन दो जो मेरी वीडियोज़ हैं जाहिर है वो भी एक पॉइंट आएगा आउट ऑफ डेट हो जाएंगी, क्योंकि जो चीज़ मैंने पढ़ाई है, जो डॉक्यूमेंट आपको वीडियो में दिख रहा होगा वो अपडेट हो चुका होगा। ठीक है, चीज़ बदल जाती है, सॉफ्टवेयर के अंदर बड़ी तेज़ी से ये रेवोल्यूशन आता है। इवन दो कि जब मैं शुरू में सॉफ्टवेयर की फील्ड में कदम रख रहा था तो मेरे सारे घर वालों के जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, दूर के रिश्तेदार जो शादियों में मिलते हैं, है ना, समझ गया ना कौन से वाले दूर के, जो सिर्फ शादियों में मिलते हैं, और कोई कनाडा से आया हुआ होता है एक हफ्ते के लिए तो वो एक एक चक्कर सबके घर पे मारता है, तो उस तरह के जितने रिश्तेदार हैं सबने मुझे बोला यार कहाँ रख रहे हो सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर में तो ये होता है कि हम सारी ज़िंदगी पढ़ते ही रहो। ठीक है, तो मतलब उस ज़माने से ये बात मशहूर है कि सॉफ्टवेयर में चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज होती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस फील्ड में वो हैं वो भी चेंज हो गई है, उनको नहीं आता, वो नहीं अपडेट हुए। ठीक है, हमारे पास जो गाड़ियाँ चल रही हैं इस वक्त वो 1900 अंधेरा की टेक्नोलॉजी है जो हम चला रहे हैं, और क्या कहते हैं, नहीं हर किस्म की गाड़ी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो बसेज हो, सारी 1900 अंधेरा की टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पे। ठीक है, ये वो आपको बोलेंगे कि यार वो इंजन में क्या चेंज होगा, इंजन में तो वही पेट्रोल डलेगा वही घूमेगा, भाई इंजन में बहुत कुछ चेंज हो गया है, हमें नहीं पता,
हमें नहीं पता कि क्या चेंज हुई है। तो बस जिस दिन वो नई वाली टेक्नोलॉजी आ गई यहाँ पे, अभी तो ये इम्पोर्ट में इम्पोर्ट बंद करके रखते हैं ना हर वक्त, खोलते ही नहीं है कि वो नई चीज़ ना आएगी बाहर से ना कुछ होगा। तो ये जिस दिन वो नई वाली चीज़ आ गई, ये सारे बेरोज़गार हो जाएंगे, तो फिर इनको पता चलेगा। तो दुनिया की जितनी भी फील्ड है ना, सब में इतनी ही तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, हमें जस्ट पता नहीं है। कंप्यूटर में इसलिए पता चल जाता है, इंटरनेट की दुनिया, इंटरनेट से आपको डेटा मिल जाता है फ़ौरन कि अच्छा यार एप्पल ने आज आईफोन फला फला रिलीज़ कर दिया, तो हमें पता चल जाता है। एक हफ्ते बाद यहाँ पे OLX पे अवेलेबल भी हो जाता है बॉक्स पैक। तो ये तेज़ी से हो जाता है। सॉफ्टवेयर में ये होता है कि सॉफ्टवेयर तो ओवर द इंटरनेट डाउनलोड होता है, तो VS Code का जिस दिन नया वर्जन आता है, अगले दिन हमारे पर नोटिफिकेशन आ जाती है कि अच्छा जी नया वर्जन आ गया है, अपडेट कर लें। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में जब नया सॉफ्टवेयर आता है फ़ौरन अपडेट आ जाती है। लेकिन जो फिज़िकल चीज़ें हैं जैसे मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ, ये इनको ज़ाहिर है जब इनमें अपडेट कोई आती है, देखो इसमें अपडेट आया ना फ़ौरन आ गया नोटिफिकेशन, यार इसको नॉट नाउ कर देता हूँ अभी मैं फ़िलहाल इसको, सही है तो ये ऐसे चुप होगा नहीं। हाँ इलेक्ट्रिक बाइक, हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रिक बाइक वैसे तो आ गई है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। उसको मैंने अच्छे से देखा, वो बिल्कुल बेकार है, ना उसमें कोई कंट्रोलर है ना कुछ है, डायरेक्ट बैटरी से ही तार लगाई हुई है और पंखे वाला डिमर लगा हुआ है उस पर हैंडल पे, हाथ पे ना उसके जो एक्सेलेटर है वो असल में पंखे वाला डिमर है, वैसे घुमाओ तो वो तेज़ चलता है मोटर, कम करो तो स्लो हो जाता है। कोई कंट्रोलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो स्कूटी है ना वो उससे भी बदतर है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटी से भी गया गुजरा है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अभी राइट नाउ है ये जोल्टा वोल्टा, मगर ये चलो कुछ तो कर रहे हैं, ये यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी, तो ये बड़ी बात है। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी क्या कर रहे हैं यार, वो सब बैटरी पैक वैक सब चाइना से आता है, यहाँ लाके जैसे उसको असेंबल करते हैं। ये जितनी हमारी जो 70 की मोटरसाइकिलें चाइनीज़ ये सारी यही कर रहे हैं। हमारे यहाँ इवन दो मोबाइल फ़ोन जो बना रहे हैं ना यहाँ पे लोकल, क्यू मोबाइल, पिछले दिनों वो केस उनका खुला था, वो क्या करते थे, चाइना की एक कंपनी थी, उनको बोलते थे कि यार हमें ना मोबाइल फ़ोन बना के दो इस स्पेसिफिकेशन का, बना के भी क्या तो उनके पास बना हुआ होता था, वाइट लेबलिंग उसको कहते हैं, वाइट लेबलिंग चेक करिएगा क्या किस चीज़ को कहते हैं। अच्छा, तो वो वहाँ से ना चाइना की कंपनी को ऑर्डर देते थे, तो वो उनको मोबाइल फ़ोन बना के उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देता था, और उसमें कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन होता है। तो वो यहाँ से ना लोगो भेजते थे उनको क्यू मोबाइल का, तो वो क्या करते थे, सॉफ्टवेयर जब फ़ोन ऑन होता है या ऑफ होता है ना, उसमें क्यू मोबाइल शुरू में लिखा हुआ था। आप नोट कीजिएगा उस मोबाइल में अंदर किसी भी जगह ना क्यू मोबाइल का जिक्र नहीं है, सिर्फ ऑन होते हुए क्यू लिखा हुआ था बस। और वो पूरा का पूरा जो मोबाइल है ना वो बनाया वहाँ से आता था, और यहाँ ला के वो जस्ट उसको अच्छे से बॉक्स में पैक करते थे, यहाँ से लोकल चार्जर खरीदते थे, यानी मुकामी जो प्रोवाइडर है उससे, या चार्जर भी वहीं से किसी दूसरे वेंडर से किसी दूसरे चैनल के थ्रू आके यहाँ पे डब्बे में पैक करके भेजते थे। उनका बड़े से बड़ा छोटे से छोटा फ़ोन इसी तरह बना है, यहाँ पे उन्होंने एक टाँका भी नहीं लगाया सर्किट में। ठीक है, तो ये दो नंबरियाँ हमारे बंदे कर रहे हैं। अच्छा, दो नंबरी नहीं है, अच्छी बात है ये, मगर वो गवर्नमेंट को उन्होंने बताया हुआ था कि हम तो मैनुफैक्चर करते हैं, दो नंबरी ये थी असल में। गवर्नमेंट को उन्होंने ये बोला हुआ था कि हम तो भाई मैनुफैक्चर करते हैं, हमें आप टैक्स में छूट दें, पता नहीं जो उनकी स्कीमें थी ना सारी अवेल की हुई थी। तो वो फिर एक दिन पोल खुल गया तो फिर वो कंपनी पता नहीं अब तो बंद हो गई शायद, अब तो नहीं नज़र आते उनके मोबाइल बीच में बड़ा। और उनका फिर बजट इतना था उनका मार्केटिंग का कि वो मार्केटिंग खूब करते थे, और जिन लोगों ने यूज़ किया उनको पता है कि उनके मोबाइल की क्वालिटी कैसी थी। मैंने यूज़ तो नहीं किया, लेकिन जो लोगों के मैंने फ़ोन हाथ में लेके ज़रा चला वाला के देखा तो उनकी क्वालिटी इतनी गई गुजरी होती है कि जो है ना किसी काम का नहीं होता। वेल, तो हम वापस आ जाते हैं अपने राउटिंग पर। बस भाई दिल जला हुआ होता है ना जब, तो फिर सब निकलता है फिर मुंह से। अच्छा भाई, राउटिंग के बारे में ये कह रहे हैं कि जी राउटिंग रेफर्स टू हाउ एन एप्लीकेशन एंड पॉइंट रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट रिक्वेस्ट। अब राउटिंग, हमारे एक टीचर थे नहीं हैं अभी, नौशाद आरजू साहब, वो कहते थे कि यार सवाल में ना सारी बात छुपी हुई है। किसी भी चीज़ को अगर आप स्टडी कर रहे हो ना उसके नाम पर आप गौर करोगे तो सारी कहानी आपको पता चल जाएगी। राउटिंग, राउट किस चीज़ को कहते हैं, राउट कहते हैं रास्ते को। ठीक है, जैसे हमारा ये राउटर होता है जो, इसका भी काम होता है रास्ता दिखाना। जो वाईफाई का राउटर होता है, वाईफाई तो नहीं, वाईफाई तो खैर उसमें एक एड ऑन फीचर होता है, राउटर इटसेल्फ उसका वाईफाई से कोई ताल्लुक नहीं है। राउटर का काम क्या होता है, उसमें इंटरनेट की तार लगती है और वो राउटिंग करना उसका काम होता है कि जी रिक्वेस्ट को कहाँ से कहाँ भेजना है। जैसे मेरे कंप्यूटर से जब रिक्वेस्ट निकलेगी तो वो राउटर में जाएगी, चाहे वो तारों के जरिए जाए चाहे वो वाईफाई के, राउटर पे पहुंची वो। अब राउटर का काम है आगे उसको कहाँ भेजना है, और उस मेरी रिक्वेस्ट के अंदर जब राउटर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मेरी रिक्वेस्ट जब निकल के राउटर में जाती है तो मेरी रिक्वेस्ट क्या होती है, लास्ट हमने डिस्कस किया था HTTP का जो एक रिक्वेस्ट होती है उसमें हेड होता है एक बॉडी होता है।
ठीक है, एक पैकेट होता है, उसका एक हेड होता है, एक बॉडी बॉडी होता है। अब हेड के अंदर क्या लिखा हुआ होता है कि ये यहाँ से निकली है मेरे कंप्यूटर से, मेरे कंप्यूटर का जो भी पॉसिबल एड्रेस होता है वो उसके हेड में मौजूद होता है। अब राउटर को जब वो पैकेट मिलता है वो क्या करता है, राउटर राउटर उसमें अपना एड्रेस डालता है उस हेड में और अगले राउटर पर भेज देता है उसको। डेस्टिनेशन लिखा हुआ है इस पर क्या होता है, डेस्टिनेशन लिखा हुआ होता है कि जी इस रिक्वेस्ट ने जाना कहाँ है। मेरे केस में मिसाल के तौर पर गूगल पे जाना है, गूगल के कंप्यूटर पर मैंने रिक्वेस्ट की, google.com लिखा है, तो राउटर क्या करेगा उस हेड के अंदर अपना एड्रेस डालेगा और उसको आगे भेज देगा। अच्छा आगे कहाँ भेजेगा उसको, वैसे तो उसको पता होता है कि आगे कहाँ भेजना है, लेकिन अभी मिसाल के तौर पे अभी अभी आपने स्विच ऑन किया है, राउटर को अभी अभी प्लग में लगाया है, राउटर से पहले स्विच ऑफ पड़ा हुआ था, अभी अभी ऑन हुआ है, तो अभी राउटर को नहीं पता कि कहाँ भेजना है। तो राउटर क्या करेगा, उसके जितने भी आगे कनेक्टेड है ना राउटर मजीद, उनमें से रैंडमली किसी एक पे भेज देगा, उनमें से रैंडमली किसी एक पे भेज देगा। मिसाल के तौर पे मेरा जो राउटर है, मेरी मेरे लैपटॉप से निकल के रिक्वेस्ट जाती है मेरे बिल्डिंग के राउटर में, और मेरे बिल्डिंग का राउटर आगे इंटरनेट के दुकान वाले से और जो आसपास के जो भी उसका पाथ बनता है, हमने ये देखा है इंटरनेट इज़ अ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, तो वो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नहीं नॉड्स है असल में, वो राउटर भी उसमें शामिल है, कंप्यूटर भी शामिल है, सब शामिल है। तो आगे जितने भी उसको रस्ते मिलेंगे ना, मिसाल के तौर पर 20 राउटर उसको आगे नज़र आते हैं कि जी मैं डायरेक्ट 20 राउटर्स पे भेज सकता हूँ, उनमें से किसी एक पे वो भेज देगा। अब किसी एक पे भेजा उसने, अच्छा जिस पे भी जाएगा उसको भी ये दिखेगा कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है और कहाँ इसने जाना है। अच्छा कहाँ से आई है मैं क्या दिखेगा, कहाँ से आई है मैं दिखेगा एक टेबल जिसमें मेरे कंप्यूटर का एड्रेस, मेरी बिल्डिंग के राउटर का एड्रेस मौजूद है। अब ये तीसरे राउटर के पास पहुँचा है, अब वो क्या करेगा, वो भी रैंडमली आगे किसी एक पे भेज देगा। अच्छा किसी एक जगह पे जाके ना आगे कुछ नहीं होगा, रास्ता बंद होगा, रास्ता जब बंद होगा ना तो वो क्या करेगा, वो वापस आएगा इधर मेरे बिल्डिंग के राउटर में, शायद वो वापस आ जाएगा, वापस आएगा, उसके बाद मेरी बिल्डिंग का राउटर उसको, अब उसको पता चल गया ये आगे बंद है गली इसमें, उसको दूसरे में भेजेगा वो। तो ऐसे वो रिकर्सिवली जो है ना पाथ फाइंडिंग करते करते वो गूगल तक पहुंच जाएगा। अच्छा वंस वो गूगल तक पहुंच गया ना, तो वो राउटिंग टेबल कहां सेव हो जाएगी, मेरे राउटर में वो सेव हो जाएगी। अब मेरा राउटर जब गूगल पर रिक्वेस्ट भेजनी होगी ना, तो इधर उधर नहीं भेजेगा उसको, वो सीधा भेजेगा। अच्छा ऑल पॉसिबल राउट टू गूगल वो उसको पता है। अच्छा कभी एक रास्ता बंद होगा तो वो दूसरे से भेजेगा, तो राउटिंग टेबल बना के वो अपने पास सेव रखता है। राउटर का काम असल में ये होता है। और एफिशिएंसी क्या होती है राउटर की, क्विक कि कोई राउटर कितना तेज़ है ये कैसे डिसाइड होता है, ये ऐसे डिसाइड होता है कि उसके अंदर कितनी कंप्यूटिंग पावर है, वो कितनी तेज़ी से ये डिसीजन लेता है कि कहाँ क्या करना है, कितना उसके अंदर स्टोरेज मौजूद है उस राउटर में कि वो कितनी बड़ी राउटिंग टेबल को स्टोर कर सकता है। क्योंकि मैं तो एक बटन दबाता हूँ तो मैं 10 सर्वरों पर रिक्वेस्ट भेजता हूँ ना यार, मैं तो बहुत तेज़ चल रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर में बैकग्राउंड में इतनी अपडेटें चल रही हैं, पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, वो किस किस दुनिया भर में हज़ारों की तादाद में अलग अलग सर्वर है जिसपे मैं हर सेकंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो क्या मेरा राउटर इस काबिल है कि वो इतने सारों का रख सके अपने पास डेटा, तो एफिशिएंसी इससे काउंट होती है। तो राउटर के अंदर जो है ना एक बहुत लंबी चौड़ी एक डेटाबेस पूरा बन रहा होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि किधर जाना है तो उसका रास्ता किधर है, राउटिंग ये होती है। अच्छा मिसाल के तौर पर मेरे पास तो लगा हुआ है टीपी लिंक का 2 कान वाला राउटर, उसके अंदर जो स्टोरेज है वो पता नहीं केबीज में है वो अच्छा केबीज भी बहुत होता है वैसे, क्योंकि राउटिंग टेबल बनती है टेक्स्ट बेस, तो अगर मिसाल के तौर पे 500 KB भी है, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसमें कितना होता है, लेकिन इसी तरह होता है, बहुत कम होता है, MBs में होगा या तो 4-5 MB होगा या 10 MB होगा, इस तरह होता है, बहुत कम होता है। तो अच्छा कंप्यूटिंग पावर भी कम होती है उसके अंदर, तो वो इतना सोचने समझने के काबिल नहीं होता। वो फिर क्या करता है, वो जैसे जैसे ऊपर से आती जाती है एंट्री, नीचे से उसको डिलीट भी करता जाता है, और उस वो डिपेंड करता है किसी दूसरे राउटर पर। ये मेरे बिल्डिंग के राउटर क्योंकि है बहुत लाइट वेट, तो आगे जो इंटरनेट की दुकान वाला है ना उसके पास लगा हुआ है बड़ा राउटर, तो मेरी रिक्वेस्ट हमेशा निकल के जाती उधर ही है, तो मेरे पास अच्छा वाला राउटर होना इज़ नॉट मैंडेटरी, उसके पास जाती है। अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मेरी बिल्डिंग का जो राउटर है ना वो सीधा दुकान वाले के से ही कनेक्ट होता है, उसको और कोई रास्ता होता भी नहीं है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है, ख़ासतौर पर रेजिडेंशियल जो इंटरनेट कनेक्शन होते हैं उसमें बिल्डिंग से निकलने के बाद ना रिक्वेस्ट एक ही जगह जा सकती है, कोई और ऑप्शन ही नहीं होता उसके पास,
ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कि तीन मोहल्लों से तार ला के एक साथ जोड़ी हुई है, ये एंटरप्राइज वाले करते हैं। एंटरप्राइज में वो क्या होता है, लोड बैलेंसिंग वाला राउटर होता है, वो तीन चार अलग अलग प्रोवाइडर से लेके एक ही राउटर में घुसाते हैं और वो तीनों को चला रहा होता है मिला के, ठीक है, लोड बैलेंसिंग करके चला रहा होता है, तो वो एक अलग कहानी है उसकी। अच्छा, तो क्या मैं बताने लगा था, आगे वो एक ही पे जाता है, तो आगे वो इंटरनेट की दुकान पे अच्छा वाला या तो राउटर होगा या उससे आगे कहीं अच्छा वाला होगा, या उससे आगे जाके कहीं गवादर वगैरह पे जहाँ पे सबमरीन में दाखिल हो रहा है कनेक्शन, वहाँ पे जाके एटलीस्ट उसको कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जहाँ पे उसको पूरा पूरा राउटिंग टेबल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर पूरी दुनिया का इंटरनेट शटडाउन हो जाए ना एक ही झटके में, तो सारी राउटिंग टेबल ख़त्म, सारी राउटिंग टेबल अगर ख़त्म हो जाए ना, तो एक रिक्वेस्ट को शायद गूगल तक पहुँचने में पता नहीं घंटों लग जाए, नहीं घंटों तो नहीं, खैर ज़्यादा बोल दिया मैंने ये, लेकिन 4-5 मिनट तो लग ही जाएगा। मैंने google.com की रिक्वेस्ट की ना, वो गूगल को ढूंढेगा ना, पूरे नेटवर्क में ढूंढेगा, वो इधर जाएगा फिर वापस आएगा, फिर यूँ जाएगा फिर वापस आएगा, जहाँ भी बंद गली होगी पूरा वापस आएगा, पूरा पज़ल, पूरा जो जो आप क्या कहते हैं उसको मेज़, वो पूरा मेज़ एक्चुअली है इंटरनेट जो इज़ अ मेज़, तो उसमें जो पूरी टेबलें बनी हुई हैं, हर राउटर में टेबल है, तो मैं, मेरी रिक्वेस्ट जिस राउटर पे गई है ना, मोस्ट प्रॉब्ली उस राउटर को पहले से बताओ कि गूगल कहाँ है, तो वो मुझे डायरेक्ट वो एड्रेस देगा, मैं डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाऊँगा, समझ रहे हो, डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाऊँगा, मुझे फिर ढूंढना नहीं पड़ता। फिर वो DNS वाले सर्वर भी लगे हुए हैं आजकल, पहले तो DNS पे जाती है सबसे पहले, ठीक है, DNS के सर्वर का भी यही हिसाब किताब है कि अगर DNS का सर्वर डिलीट हो जाए समहाउ, तो पूरे इंटरनेट बंद हो जाएगा चलना, जितने भी इंटरनेट चल रहे हैं सारे बंद हो जाएंगे, तो बहरहाल ये शेयर करके आपस में चला रहे होते हैं। तो राउटिंग, हमने ये देखा कि राउटिंग क्या चीज़ होती है, कि किधर जाना है और कैसे जाना है ये बात डिसाइड करना, ये काम होता है राउटर का, ये काम होता है राउटर का। अच्छा, जैसे मोहल्ले रक्षे वाला होता है, अब रक्षे वाला ना सुबह से शाम तक रक्षा चलाता है, अब उसको बोलेंगे यार यहाँ से मैंने जाना है सिविक सेंटर, ठीक है, अब वैसे कॉमन सेंस बंदे की बोलती कि यार यहाँ से निकलो सीधा यूनिवर्सिटी रोड पकड़ो, लेकिन उस रक्षे वाले को पता है कि ये रास्ता बंद है, क्योंकि वो सुबह से रोड पे, उसको पता है ये बंद है, तो वो कहीं और से घुमा के लेके जाएगा। तो राउटर का एग्जैक्टली काम यही होता है कि उसको पता होता है कि किधर से जाना है और कैसे जाना है। अच्छा, ये तो हो गया इंटरनेट की एग्जाम्पल या मेन रोड की एग्जाम्पल। अच्छा, हमारे सर्वर के अंदर ना मामला थोड़ा डिफरेंट है। हमारे सर्वर के अंदर जो हम राउटिंग करते हैं वो असल में उसका मेन पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं, कोई बता पाएगा, व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन? एक दफ़ा हम शायद डिस्कस हुई ये बात, ऑर्गेनाइज वे में, ऑर्गेनाइज वे में तो ऑर्गेनाइजेशन का ही तो मतलब पूछ रहा हूँ मैं। ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है, ऑर्गेनाइज एक उसको क्या कहेंगे कि ऑर्गेनाइज एक चीज़ है और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको करने का प्रोसेस है ना। ऑर्गेनाइज ऑर्गेन से ये बात निकली है, ठीक है, यही मैं बात सुनना चाह रहा था, ये बात ऑर्गेन से निकली है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये होता है कि हर चीज़ अपने सही जगह पे मौजूद हो। अगर मैं कोई रूम ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ तो रूम में हर चीज़ सही जगह पे हो। मिसाल के तौर पे लैंप जो है वो साइड टेबल पे हो, क्योंकि वहीं पे मुझे चाहिए। या कोई अगर इदारा है तो उसके अंदर हर बॉडी अपना अपना काम कर रही है। इदारे के अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन में बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, और बॉडीज़ के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हम राउटिंग जो अपने सर्वर पे कर रहे होते हैं ना, वो मोस्टली हम क्या कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये इसने जो बात की है ना, राउटिंग रेफर्स टू हाउ एन एप्लीकेशन एंड पॉइंट रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन राउटिंग, सी बेसिक राउटिंग। और यहाँ पे इसने ये दो लाइन लिखी, ये भी ज़रा हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। यू डिफाइन राउटिंग यूजिंग मेथड्स ऑफ एक्सप्रेस ऐप ऑब्जेक्ट, जो हमें ऐप करके हैंडल मिलता है उसके, उसमें मेथड होते हैं राउटिंग के, उसको इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट दैट कॉरेस्पॉन्ड HTTP मेथड सी ऐप डॉट गेट हैंडल गेट रिक्वेस्ट एंड ऐप डॉट पोस्ट हैंडल पोस्ट रिक्वेस्ट। अच्छा, इसने कहा भाई आप जब लगाते हो ना ऐप डॉट गेट, तो वो सिर्फ गेट वाली रिक्वेस्ट को पकड़ता है, बाकियों को वो छोड़ देता है। और जो आप जब लगाते हो ऐप डॉट पोस्ट, तो वो सिर्फ पोस्ट वाली रिक्वेस्ट को पकड़ता है, बाकियों को वो छोड़ देता है। अच्छा, ऑन अदर एंड क्या होता है कि, अच्छा वो कह रहा है ऐप डॉट मेथड की ना पूरी लिस्ट है यहाँ पे, आप यहाँ क्लिक करोगे ना तो ऐप के ऊपर डॉट लगा के क्या क्या लगता है वो सब यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है। यू कैन ऑल्सो यूज ऐप डॉट ऑल, ऐप डॉट ऑल करने से क्या होता है कि हैंडल ऑल HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड ऐप डॉट यूज टू स्पेसिफाई मिडलवेयर एज कॉल बैक फंक्शन। कह रहे हैं कि आप ऐप डॉट यूज भी लगाओगे तो उसमें क्या होता है कि पार्शल
उसमें आप लिख देते हो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं होती। ऐप डॉट ऑल तो सबको ही करता है, तो ये दोनों को भी हम जरा देखते हैं अभी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिटेल है इसकी। अच्छा, टू स्पेसिफाई मिडलवेयर कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, मिडलवेयर क्या होता है वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो बना हुआ है ना इतना पार्ट, ये एक राउट है। अच्छा, वैसे तो अभी तक हमने जो बात देखी थी, हमने ये देखा था कि दिस इज एन API। ये क्या है? ये एक API है कि जी स्लैश की रिक्वेस्ट है, स्लैश प्रोफाइल की रिक्वेस्ट है, स्लैश यूजर की रिक्वेस्ट है। लेकिन ये API किसके परस्पेक्टिव से, जो इसको कॉल कर रहा है ना उसके परस्पेक्टिव से ये API है। मिसाल के तौर पे मुझे वेदर, मैंने वेदर API जो इस्तेमाल की थी तो उसने मुझे एक एंड पॉइंट दिया था, तो मेरे लिए वो क्या है, वो एक API है। अच्छा, मुझे नहीं पता और कौन कौन सी API है, मुझे क्या पता, मुझे जो उसने दी है मुझे वो मिल गई, ठीक है। लेकिन उनके परस्पेक्टिव से जो है वो एक राउट है, ठीक है। तो दिस इज वन राउट। अब मेरे सर्वर की जो ऐप है, मेरे सर्वर का जो सॉफ्टवेयर है, इसमें कई और राउट्स हो सकते हैं, कई और रास्ते हो सकते हैं, जिस रिक्वेस्ट जिस रास्ते से अंदर आ रही हो और जा रही हो। अच्छा, अब ये इतना पार्ट जो है ये क्या कहला दिया, ये एक राउट कहलाएगा। अच्छा, ये राउट इसको कौन कह रहा है, ये एक्सप्रेस की ज़ुबान में बात हो रही है, इवन सर्वर की ज़ुबान में भी बात नहीं हो रही। सर्वर में इसको राउट वाउट कोई चीज़ नहीं होती, इन जनरल सर्वर में राउट्स किसी चीज़ को नहीं कहते। एक्सप्रेस वालों ने इसका नाम रखा है कि ये राउटर है, एक्सप्रेस वालों ने ये नाम रखा है इसका। अच्छा, ये एक्सप्रेस का एक राउट है ये। अच्छा, एक राउट किस चीज़ से मिलकर बनता है? नंबर एक, एक तो इस पर मेथड कौन सा है, गेट, कि जी गेट की रिक्वेस्ट आएगी तभी इस पर हिट होगा, अदरवाइज इस पर हिट नहीं होगा। अच्छा, नंबर दो, इसका जो जो आप कह लें कि पाथ, ठीक है। अच्छा, इसको भी ये राउट ही बोलते हैं, इस पूरे को भी ये राउट बोल, अच्छा इस पूरे को भी ये राउट बोल रहे होते हैं, या यूँ समझ लो कि इन दोनों को मिला के राउट बनता है, कि जी गेट की रिक्वेस्ट हो और स्लैश की भी हो ना साथ में, दोनों चीज़ फुलफिल होगी, तो इन इन दोनों को मिला के ये राउट बोल रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कॉमा लगा के ना, ये इसका जो इतना पार्ट है इसको ये बोलते हैं मिडलवेयर फंक्शन। इसको ये क्या बोलते हैं? मिडलवेयर फंक्शन। अच्छा, ये मिडलवेयर फंक्शन अभी तो लिखा है मैंने, अभी लिखा है मैंने, लेकिन कुछ ऐसी लाइब्रेरीज भी हैं इसकी कि जी मिडलवेयर फंक्शन पहले से लिख कर रखा हुआ है, आप जस्ट उसको उठाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अब इमेजिन करो, अगर ये मिडलवेयर फंक्शन जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इस फंक्शन को मैं ऐसे कट कर दूँ, हटा दूँ, और इसकी जगह मैं किसी फंक्शन का नाम लिख दूँ, चल जाएगा, है ना? क्योंकि फंक्शन है, भले मैं, हम जब फंक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था एनोनिमस फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये असल में एनोनिमस फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है। इन्होंने एरो फंक्शन लगाया है, आप कीवर्ड फंक्शन वाला भी लगा दें तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये दिस इज़ नॉट अ नेम्ड फंक्शन। ES6 में तो फंक्शन होते ही एनोनिमस है, नेम्ड फंक्शन का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, वो ES5 में हुआ करता था। तो ये एनोनिमस फंक्शन है, इसको मैंने बनाया भी है और डायरेक्ट बनाते साथ ही इसको पास कर दिया। मैं ये काम करूं कि अगर इस फंक्शन को बना के एक वेरिएबल में रख लूं और वेरिएबल का नाम यहाँ लगा दूं तो भी एक ही बात है, ठीक है। तो ये मिडलवेयर फंक्शन हो गया। अच्छा, ये हमें समझ आ गई बात। अब ज़रा आ जाओ आगे, राउट के मेथड, गेट का मेथड, पोस्ट का मेथड, ये हम दोनों डिस्कवर कर चुके हैं पहले ही, इसको अब ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐप डॉट ऑल, ऐप डॉट ऑल क्या करता है कि देर इज़ अ स्पेशल राउटिंग मेथड कॉल्ड ऐप डॉट ऑल टू यूज टू लोड मिडलवेयर फंक्शन एट ऑल पॉथ ऑल पाथ ऑल HTTP रिक्वेस्ट मैथड, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी पाथ हो और कोई भी मैथड हो HTTP का, ये उस पर हिट हो जाएगा। अच्छा, इसका पर्पज़ क्या हो सकता है जी, कि हर आने वाली रिक्वेस्ट को अगर मैंने कोई लॉगिंग करनी है, डेटा बेस में कोई लॉग बनाना है कि जी मेरे सर्वर पर टोटल कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला बीच में लगा दूंगा, ऐप डॉट ऑल वाला, ठीक है। या ऐप डॉट यूज़ से भी मैं ये काम कर सकता हूँ, ऐप डॉट ऑल भी अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो अच्छे से, कि किसी भी फ्रेमवर्क में या किसी भी लाइब्रेरी में, किसी भी फ्रेमवर्क में या किसी भी लाइब्रेरी में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैंने जिक्र किया था कि हम जब सीख रहे होते हैं तो हम क्या सीखते हैं कि कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, हम वो सीख रहे होते हैं। ऐसा ही है ना, हमने जावास्क्रिप्ट जब पढ़ी तो हमने देखा अच्छा फॉर लूप इसमें अवेलेबल है, लेकिन लूप चलाने का एक मैप भी तरीका है, फॉरीज भी है। अच्छा, इफ एल्स हमने देखा एक तरीका मौजूद है कंडीशन चेक करने का, लेकिन टर्नरी से भी कंडीशन चेक हो जाती है। हमने देखा वेरिएबल है, एरे है, ऑब्जेक्ट है। तो अब फिर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम सीख गए, सारे टूल्स पता चल गया, तो अब हम ये जानते हैं कि अच्छा जी कंडीशन चेक करनी है तो उसके लिए कौन कौन से अवेलेबल टूल्स मेरे पास मौजूद हैं,
ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारे टूल को इस्तेमाल कर ही लूँ। बड़े गौर से समझेंगे ये बात तो समझ आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारे टूल को इस्तेमाल कर ही लूँ तो काम बनेगा वरना नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पे जैसे चैट बॉट की जब डेवलपमेंट होती है तो वहाँ पे कुछ जगहों पे टर्नरी लगा रहे होते हैं, कुछ जगहों पे इफ एल्स लगा रहे होते हैं, दोनों अप्रोप्रिएट है, दोनों इस्तेमाल होता है। लेकिन लूप चलाने के लिए ना मैंने फॉर ईच बहुत कम यूज़ किया है, कभी भी यूज़ नहीं करता मैं। हालांकि फॉर ईच भी एक तरीका मौजूद है, ठीक है, लूप चलाने के लिए फॉर लूप या मैप का इस्तेमाल करता हूँ मैं जहाँ पे अप्रोप्रिएट लगता है। ठीक है, आपको इस तरह समझें इसको कि एक इलेक्ट्रिशियन का टूल बॉक्स है, इलेक्ट्रिशियन के टूल बॉक्स में स्क्रू ड्राइवर है, हथौड़ी है, पेचकस है, सब कुछ है। कोई एक टूल है जो बहुत कम इस्तेमाल होता है, वो बिल्कुल नया पड़ा होता है। या बाइक के मोटरसाइकिल के मैकेनिकों की मिसाल लें आप, उनके पास टूल ही नहीं होता, एक ही पाना होता है, वही सब में लगा रहे होते हैं। स्क्रू पाना रखा होता है, वो कहते हैं यार इतने अलग अलग पाने की क्या ज़रूरत है, एक ही स्क्रू पाना सब में लगाओ। समझ रहे हो बात? तो ये रियल लाइफ में भी इसी तरह होता है कि कोई भी जब टूल बॉक्स होता है ना जब, तो उसमें कुछ टूल होते हैं बड़े ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, कुछ टूल बड़े कम होते हैं, और कुछ टूल इस्तेमाल ही नहीं होते, फिर वो होता है थोड़े दिनों में उसको टूल बॉक्स से ही हटा देते हैं। समझ रहे हो बात? तो ऐप डॉट ऑल वन ऑफ दोज टूल्स है जो मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया, मौजूद है, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मे भी आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, तो जो भी टूल्स अवेलेबल हैं, चाहे वो जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद जितने भी टूल्स हैं, चाहे वो आपके जो एक्सप्रेस के फ्रेमवर्क में मौजूद जितने भी टूल हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे यूज़ कर ही लोगे आप, और सारे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जितना इस्तेमाल करके आपका काम हो जाए, आपका जो 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 रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की वो फुलफ़िल हो जाए जिस टूल को इस्तेमाल करते हुए, गुड इनफ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी अच्छा यार ये टूल मैंने इस्तेमाल नहीं किया तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो ये नहीं आपने सोचना है। आपने हमेशा क्या सोचना है, जो एक मैं 4-स्टार जनरल है उसका इंटरव्यू देख रहा हूँ, तो एक 4-स्टार जनरल था उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसने ये बताया कि यार हम अपना सोल्जर्स को ना पहले ये बताते थे कि कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन अब हम ये नहीं बताते, अब हम बताते हैं एंड रिजल्ट क्या निकालना है। मिसाल के तौर पे कोई ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें एंड में क्या चाहिए हमें, कोई मतलब कोई बंदा है उसको बाजियाब कराना है, ठीक है, या कोई किसी जगह पे कोई स्लीपर सेल है उसको सिरे से ही ख़त्म करना है, क्या करना है, तो हम एंड रिजल्ट बताते थे कि यार ये अचीव करना है, आप खुद ही फिगर आउट कर लो कि कैसे होगा ये। तो उसने कहा कि यार उसका नतीजा ये निकला कि पहले ये होता था कि अगर मिसाल के तौर पर 10 लोगों की टीम है, अगर 10 लोगों की टीम अगर आगे पीछे हो जाए, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाए, होता है मिशन में कभी कोई मतलब सामने से एकदम ही गोलियां चल जाती हैं, 2-4 जख्मी हो जाते हैं, बाकी एक इधर भाग जाता है, एक उधर भाग जाता है, अब वो तो दोनों डिस्कनेक्ट है ना आपस में, कम्युनिकेशन मीडियम भी समटाइम वायरलेस वगैरह भी गिर विर जाता है, नहीं होता, ज़ोर से बोल भी नहीं सकते, सामने वाला सुन लेगा, तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आपस में। समटाइम ये होता है कि कहीं छुपना पड़ जाता है, कहीं दुश्मन की टेरिटरी में होते हैं, वहाँ पे तो बाहर भी नहीं निकल सकते, छुपे हुए होते हैं बिल्कुल। अब वो करें क्या, उनको इंस्ट्रक्शन, वो तो बताया हुआ था कि यार ऐसे जाना है, ऐसे मुड़ना है, ऐसे सीधा होना है, वहाँ पे 2 बंदे होंगे उनको मारना है, फिर ऐसे 2 बंदे होंगे, वो तो बताया हुआ था पूरा, तो अब वो करेगा क्या? तो उन्होंने कहा ये हम नहीं करते, अब हम ये करते हैं, हम बताते हैं एंड रिजल्ट क्या है, बाकी चीज़ खुद फिगर आउट करेगा बच्चा। ठीक है, तो वो कहता है बैटल फील्ड में इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला हमें। तो हमेशा आपने जब भी कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी होगी ना आपके पास, तो आपने इसको डील इसी तरह करना है कि जो एंड रिजल्ट क्लाइंट ने आपको बताया है आपने उसको अचीव करने की कोशिश करनी है, कैसे करना है वो आप फिगर आउट खुद ही कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी मैं आपको ये बता दूं कि जी अच्छा लॉगिन का प्रोसेस है ना तो ऐसे ही होगा, ये वाला चक्कर नहीं है, एक ही काम को करने के कई मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। यही वजह है कि मैं आपको यहाँ पे भी जब असाइनमेंट्स देता हूँ तो मैं कभी भी आपको ये नहीं बताता कि कैसे करना है, मैं आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ कि यार ये है थ्रेड्स, ऐसा बनाना है, आप बनाओ, जो आप फिगर आउट करोगे खुद, टूल सारे आपको पढ़ा दिए गए। अच्छा, तो ऐप डॉट ऑल जो है ना वन ऑफ दोज टूल्स है जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। अच्छा, पाथ का चक्कर क्या है, देखो एक तो मेथड हो गया ना, ये राउट का ये मेथड हो गया, मेथड इसने बता दिया कि भाई गेट है और पोस्ट है और वो सारी लिस्ट है, लिस्ट भी ज़रा एक नज़र मार लेते हैं लिस्ट पे, ये ज़रा इसको ना मैं नए टैब में खोलता हूँ, मेथड्स कहाँ चले गए, हाँ नहीं एक्सप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ये, express.com। अच्छा ये देखो आ गया, ऐप डॉट ऑल, ऐप डॉट डिलीट, ऐप डॉट डिसेबल, ऐप डॉट इनेबल, ऐप डॉट गेट, सही है, ऐप डॉट गेट 2 दफ़ा पता नहीं क्यों लिखा हुआ है,
ऐप डॉट लिसन सही है, और ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट पाथ, ऐप डॉट पुट, ऐप डॉट रेंडर, ये सारा तो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है? हमने पढ़े इसमें से चार, गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट। पांचवा एक पढ़ा है हमने ऐप डॉट यूज़, ठीक है? तो ये पांच से मेरे सारे काम जो आज तक मुझे करने पड़े हैं वो इन पांचों से हो जाते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इन बाकियों को भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर ज़रूर करना है। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम ज़रा सा लिमिटेड है, इसलिए हम सबको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप चाहें तो आप सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पाथ के ऊपर। राउटिंग तो हमने ये समझ आ गई है हमें राउटिंग क्या चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जी राउट पाथ इन कॉम्बिनेशन विद अ रिक्वेस्ट मेथड, कह रहा है पाथ और मेथड के कॉम्बिनेशन के साथ डिफाइन द एंड पॉइंट एट विच रिक्वेस्ट कैन बी मेड। ये डिफाइन करता है कि किस यूआरएल पर रिक्वेस्ट मारी जा सकती है। मिसाल के तौर पे रिक्वेस्ट गेट की है और स्लैश प्रोफाइल, तो इस ये दोनों मिल के बताते हैं कि रिक्वेस्ट किस यूआरएल पे मारी जाए, ठीक है? अगर सिर्फ मेरे पास स्लैश प्रोफाइल है बट मुझे ये नहीं पता कि रिक्वेस्ट का मेथड कौन सा है, गेट है, पुट है, पोस्ट है, तो शायद मेरे लिए मसला हो, मुझे पता ना चले। तो ये दोनों मिल, तो राउट पाथ कैन बी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग पैटर्न हो सकता है, रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो प्लेन स्ट्रिंग वाला पाथ पढ़ा है कि जी स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूजर। इसने कहा कि जी यार स्ट्रिंग का पैटर्न भी हो सकता है कि जी हम बता दें पैटर्न, हम मिसाल के तौर पर ये बता दें कि स्टेरिक डैश स्कूल, अब उसमें गर्ल्स स्कूल भी हो सकता है, बॉयज़ स्कूल, समझ लो पैटर्न, इस वाले पैटर्न की बात हो रही है। अब वो कैसे है? नीचे एग्जाम्पल ही बता देगा अभी। रेगुलर एक्सप्रेशन हमने थोड़ा बहुत देखा हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशन की एक दफ़ा पहले डिस्कस हुआ है कि क्या चीज़ होती है ये, एक्सप्रेशन बिल्डर भी मैंने एक आपको बताया था, ठीक है? रेगुलर एक्सप्रेशन भी काइंड ऑफ पैटर्न होता है, सही है? एक रूल होता है, सेट ऑफ रूल होता है, उस रूल पे जो जो स्ट्रिंग फिट हो जाए वो हो जाता है, ठीक है? ज़रा एक दफ़ा और चेक करा देता हूँ मैं आपको। इन्होंने बल्कि ये एक बताया हुआ है पाथ टू रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, इन्होंने एक लाइब्रेरी का जिक्र किया हुआ है कि आप पाथ आप कोई भी बनाओगे ना तो वो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बना के देता है। वेल, मैं आपको रेजेक्स अलग से दिखा देता हूँ। अच्छा देखो, इसने बोला कि यार मुझे रेजेक्स चाहिए पासवर्ड के लिए, उसमें क्या क्या रूल हो, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर हो, एटलीस्ट 1 नंबर हो, और बोथ लोअर केस एंड अपर केस एंड स्पेशल कैरेक्टर। ये सारी क्वालिटीज़ उस स्ट्रिंग के अंदर हो जब ही वो पास करे, अदरवाइज ना करे। इसने बोला ये मैंने बनाया है मगर ये सही चल नहीं रहा। आ जाओ अब नीचे आ जाते हैं। बंदे ने बोला भाई ये है सही जवाब, ये है सही जवाब, ये है रेगुलर एक्सप्रेशन। देखो इसमें भी क्या बात बोली भी है इसने, इसने बोला कि यार ये वाले सारे कैरेक्टर हों इसमें, ठीक है, इक्वल टू डॉट और स्टेरिक। उसके बाद उसने बोला भाई ए से जेड तक हो स्मॉल, ठीक है, या ए से जेड तक हो कैपिटल। अब बीच में उसने क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता, वो बिल्डर से हम देख सकते हैं एक्सप्लोर करके कि क्या है वो, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि यार और पता नहीं इसने क्या बोला, 8 लेंथ उसकी बता दी 8, ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ समझ आ रहा है। उसको मैंने कॉपी किया यहाँ से और जाके वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन का जो ये बिल्डर है ना, ये क्या नाम है इसका, रेजेक्सर डॉट कॉम करके नाम है इसका। यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, अच्छा ये है ना ऊपर लिखा हुआ रेजेक्स, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया रेजेक्स को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक अदद पासवर्ड लिखूँगा, ठीक है, आइदर अब ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मुझे बताएगा, और मुझे यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी करके बता रहा है नीचे कि इसमें बात क्या लिखी हुई है। अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर पाऊँ संभाव, हाँ बल्कि यहीं पे हाथ रखने से बता रहा है। इसने बताया भाई पहला ब्लॉक जो है ना ये वाला, इसमें क्या लिखा हुआ है इसने, मैच अ ग्रुप आफ्टर द मेन एक्सप्रेशन विदाउट इंक्लूडिंग इन द रिजल्ट, ठीक है। फिर इस डॉट का मतलब क्या है, मैचेस एनी कैरेक्टर एक्सपेक्ट लाइन ब्रेक, यानी लाइन ब्रेक नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी चलेगा, ठीक है। क्वालिफायर 0 और मोर प्रीसीडिंग टोकन, इसके बाद ना एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं, 0 और मोर यानी 0 से ज़्यादा,
ए से जेड तक का मतलब है कि ए से जेड तक। अब इसका चक्कर क्या है, अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया, इसका चक्कर क्या है? जावास्क्रिप्ट के अंदर ना एक मैच करके होता है, एक वो रेगुलर एक्सप्रेशन को ना मैच करता है। अब देखो ये रेजेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, इस रेजेक्स को हटा के ना मैं अपना वाला रेजेक्स लगा देता हूँ। स्ट्रिंग में इसको मुझे लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन ना स्लैश से शुरू होता है और स्लैश पे ख़त्म होता है। ये जी का मतलब होता है ग्लोबल, लेकिन ग्लोबल की बात नहीं है अभी, ग्लोबल तो नहीं चाहिए हमें, हमें पूरे को ही चेक करना है। अच्छा, अब मैंने लिख दिया कि यार ए बी सी, और अब इसको मैं मैच करता हूँ इसके ऊपर, तो इसने क्या लिखा जी, पैराग्राफ, पैराग्राफ को भी बल्कि मैं क्या कर देता हूँ पासवर्ड, ये मेरा पासवर्ड है ना, कॉन्स्टेंट पासवर्ड इक्वल्स टू ए बी सी, ये मेरा पासवर्ड है। अब मैं, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पासवर्ड डॉट मैच रेगुलर एक्सप्रेशन, तो आइदर ये मुझे ट्रू देगा या फॉल्स देगा, ठीक है। इस केस में मुझे फॉल्स देगा, ये ऑब्वियसली फॉल्स इस वजह से देगा क्योंकि इसमें वो सारे कैरेक्टर मौजूद नहीं है जो उसको चाहिए, कैपिटल नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं है जो इन्होंने रेगुलर एक्सप्रेशन में बताया है, ठीक है जी। रन किया मैंने, ये नल क्यों आ गया, मेरे ख्याल है ये मेरे कंसोल पे बस ने दे दिया होगा आउटपुट। नल किस खुशी में दे रहा है भाई ये, अच्छा मेरे ख्याल है ये ट्रू फॉल्स नहीं देता, ये नल या कुछ और देता है, देख लेते हैं नीचे इसका आउटपुट वैल्यू क्या है। रिटर्न वैल्यू ऑफ मैच, मैच मैच किधर है भाई, यूजिंग मैच, अच्छा रिटर्न वैल्यू इसकी नल होगी इफ़ नो मैच फाउंड, और एरे होगा कंटेनिंग द मैचेस, सही है। तो नल इसीलिए दे रहा है, वो फॉल्स ट्रू फॉल्स नहीं है, इसमें दो है, जो मैच हो जाएगा उसका एरे देगा, क्योंकि इसके ज़रिए पैराग्राफ में चीज़ें भी फाइंड करने के काम आता है, ये सिर्फ ट्रू फॉल्स वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। तो नल वो फॉल्स नहीं देगा, वो नल ही देगा, सही दे रहा है नल वो। अच्छा अगर मैं इसमें दे दूँ वो सारे कैरेक्टर जो उसको रिक्वायर्ड हैं, उसने क्या किया, लिखा हुआ था उसके अंदर कि जी अच्छा स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए उसको और एक अदद कैपिटल भी चाहिए, और मैंने यहाँ पे डॉट भी एक लगा दिया, और मिनिमम एट कैरेक्टर था ना, तो एट कैरेक्टर का बना दिया। अभी भी कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है भाई अभी भी, नंबर मिसिंग है, नंबर भी एक दे दिया, चेक हो गया, सही है जी। मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसने रिटर्न किया तो वो मैच हो गया। अच्छा अब क्या चक्कर है रेगुलर एक्सप्रेशन का, अब रेगुलर एक्सप्रेशन का चक्कर ये है कि मुझे अगर कोई इस तरह की रिक्वेस्ट चाहिए, इसकी ज़रूरत कौन बहुत कम पड़ती है, लेकिन मुझे इस तरह की रिक्वेस्ट चाहिए कि जी लिखा हुआ कि जी टोकन आईडी स्लैश, मुझे इस तरह की रिक्वेस्ट चाहिए। अब टोकन आईडी के बाद ना मुझे क्या चाहिए कि कोई भी ए से लेके जेड तक की कोई भी चीज़ चल जाएगी, सही है, मुझे इस तरह की रिक्वेस्ट चाहिए। मैंने कहा कि जी बेस url.com स्लैश और स्लैश टोकन आईडी, और यहाँ पे ए से लेके जेड तक की कोई भी चीज़ हो ना, जब ही हिट होगी, अदरवाइज ना। तो इस तरह की चीज़ अचीव करने के लिए मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, समझ आ गई ये बात राउटिंग में। अच्छा पहले तो मैं ये करता था ना कि यहाँ पे ऐसे करके लिख देता था मैं टोकन आईडी स्लैश आईडी के, यहाँ पे जो भी चीज़ आए ना उसको पकड़ लो, तो हाँ यूज़ केस ही तो बता रहा हूँ मैं। देखो अब इसमें तो ये है ना कि आईडी में ये स्ट्रिंग दे, नंबर दे, बूलियन दे, कुछ भी दे, पकड़ में आ जाता है ये, ऐसा ही है ना। लेकिन जब मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लगा दूंगा ना कि जी ए से लेके जेड तक ही उसमें डिजिट्स हों, तो फिर वो नंबर पे नहीं उसको पकड़ेगा, ठीक है। अब जब इस तरह का यूज़ केस कभी ना कभी आएगा तो फिर खुद ही समझ जाना कि यार ये इसका टूल मौजूद है। फिलहाल के लिए तो हमारा इस वाले आईडी से काम हो जाता है।
अच्छा, अगर तो मेरे केस में दो तीन अलग अलग तरह की आईडी होती है, जैसे अगर मैंने कहा कि चलो एक रियल यूज़ केस बताता हूँ मैं तुम्हें, क्या ना यूज़र आपने फाइंड करना है, यूज़र आपने फाइंड करना है और उसके तीन तरीके हो सकते हैं, नंबर एक ईमेल, नंबर दो CNIC, नंबर तीन फ़ोन नंबर। अब तीनों के डिजिट्स अलग अलग हैं, तो मैंने पहला इसको क्या बता दिया, यहाँ पे पहला मैंने इसको बता दिया कि जी रेगुलर एक्सप्रेशन ना मुझे क्या चाहिए। अच्छा ये मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह लिखना नहीं आता है, मैं हमेशा वो जनरेटर है उससे जनरेट करता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि भाई 16 डिजिट का होना चाहिए, सही है, उसके अलावा इसमें क्या होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए सिर्फ। मैंने कहा 0 से लेके 9 तक के सिर्फ नंबर ही होने चाहिए और कोई दूसरी चीज़ ना हो इसके अंदर। तो ये मेरा क्या हो गया, CNIC का रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। अच्छा ऑन अदर एंड अगर फ़ोन नंबर होगा तो मैं उसमें क्या बोलूँगा कि भाई 11 डिजिट होना चाहिए, अगर 0302 वाला कर रहा हूँ या +92 कर रहा हूँ तो फिर वो। तो मैंने कहा कि यार 11 डिजिट होने चाहिए और उसमें 0 से लेके 9 तक का नंबर होना चाहिए, ठीक है, 11 डिजिट। बहुत ईजी है इरेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह का बनाना, कोई इतना मसला तो नहीं है, कि जी बस दो ही चीज़ है इसमें, ठीक है। बल्कि एक हम बना के भी देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा रेगुलर एक्सप्रेशन इन्होंने बनाया, बनाना कहाँ पे बताया है, रेगुलर एक्सप्रेशन इन्होंने लगाना बताया ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने हल्का सा एक हिंट दिया है कि जी इस तरह करके आप लगा लें, कि यहाँ पे डॉलर हो या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो और आगे बुक हो, तो इस तरह करके आप लगा लें। अच्छा ज़रा हम कोशिश करते हैं, एक ये जो CNIC है ना, इसका हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। वो चीट शीट, सही है, मैं चीट शीट में आया और यहाँ से अब हम देखते हैं कि जी मेरे पास जो है ना कैरेक्टर बिटवीन ए टू जी। तो मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि जी कैरेक्टर जो है ना कौन से होने चाहिए मेरे पास, 0 से 9 वाले होने चाहिए, ठीक है, और एनी कैरेक्टर एक्सपेक्ट न्यू लाइन। तो मैंने कहा कि यार मैंने डॉट लगा दिया यहाँ पे, मैंने कहा कोई भी कैरेक्टर हो बट न्यू लाइन नहीं आनी चाहिए, लाइन ब्रेक नहीं होना चाहिए इस पर। और मैंने क्या लगा दिया, और मुझे क्या चाहिए इसमें, कितने डिजिट हो वो चाहिए ना मुझे, वो तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा। एग्जैक्टली 5, 2 और मोर। अच्छा एग्जैक्टली 5 ये वाला है, तो आ जाओ ज़रा 5 डिजिट, और मैं यहाँ पे आके लगा देता हूँ कि जी 5 डिजिट का ही होना चाहिए। अब हम यहाँ पे ज़रा लिखते हैं एक फ़ोन नंबर, देखते हैं वो मैच होता है या नहीं होता। सही है, मैंने अपना ही फ़ोन नंबर इस पर लिख दिया, और अब ज़रा देखते हैं कि ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा ये जो है ना इतने पे ही मैच हो गया। अच्छा नहीं 5 नहीं ना, 11 डिजिट था ना ये, तो 11 डिजिट था ना, लेकिन अब ये मैच नहीं हो रहा, ये क्या चक्कर है। 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, शायद ये 0 को काउंट नहीं कर रहा, 0 को काउंट नहीं कर रहा वो उसके अंदर, सही है। वेल, तो वो इस तरह से समहाउ जो है ना आप थोड़ा बहुत गूगल वूगल करके आप इसमें बना सकते हैं, बहुत ईजिली आपको बन के मिल जाता है। और इसी तरीके से जो जैसे अभी मैंने गूगल से वो चेक किया ना, तो उसने वो पासवर्ड का बना के रखा हुआ है पहले से, किसी ने सवाल पूछा उसने जवाब दिया। W3 School के ऊपर भी ना कुछ चीज़ों के पहले से ये रेगुलर एक्सप्रेशन बना के रखे हुए हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन रेजेक्स आप लिखेंगे ना, रेजेक्स पैटर्न्स, तो ये आपको ना ये 15 most commonly used, तो इसमें भी आपको बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशन ना मिल जाते हैं, ठीक है। ये चीट शीट इन्होंने बना के रखी हुई है कि जी ये इस तरह चीट शीट है,
और उसके बाद ये मोस्ट कॉमन ये आ गया कि जी होल नंबर चाहिए आपको सिर्फ, डेसिमल नंबर चाहिए आपको सिर्फ, ठीक है अल्फा न्यूमेरिक चाहिए, तो वो इस तरह करके इन्होंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। पासवर्ड स्ट्रेंथ कॉम्प्लेक्स शुड हैव वन लोअर केस वन अपर केस, ये देख रहे हो पूरा इन्होंने कॉम्प्लेक्स किस्म का बना के रखा हुआ है। इसको आपने वेरीफाई करना है इधर आके उस टूल के ज़रिए कि हाँ जी वो वाकई उस पर चल रहा है कि नहीं चल रहा, और आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। अच्छा जी, तो ये हमने देख लिया, तीन तरीके बताए थे ना इसने। एक इसने बताया था स्ट्रिंग, प्लेन स्ट्रिंग, वो कहाँ चले गई वो वाली बात, ये रहा, प्लेन स्ट्रिंग हो सकता है और स्ट्रिंग पैटर्न हो सकता है। अच्छा, स्ट्रिंग पैटर्न का क्या मतलब है? अब स्ट्रिंग पैटर्न इन्होंने ना खुद कुछ अपने भी पैटर्न बनाए हैं जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन और प्लेन स्ट्रिंग के दरमियान की चीज़ है। अच्छा जी, वो कैसे काम करते हैं जी? ये तो इसने बोल दिया भाई स्लैश पे चलेगा और ये चलेगा स्लैश अबाउट पे। अच्छा, इसने बोला कि दिस राउट विल मैच रिक्वेस्ट टू रैंडम डॉट टेक्स्ट, तो एग्जैक्टली ये लिखा हुआ, क्योंकि डॉट भी इसमें लगा सकता हूँ मैं, इस यूआरएल के अंदर मैं डॉट भी लगा सकता हूँ। अच्छा, अब आ जाएं, हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ राउट पाथ बेस्ड ऑन स्ट्रिंग पैटर्न। ये एक दरमियानी आइटम है रेगुलर एक्सप्रेशन और प्लेन स्ट्रिंग का। दिस राउट विल मैच ए सी डी एंड ए बी सी डी, ठीक है, ए सी डी पे भी मैच कर जाएगा और ए बी सी डी पे भी मैच कर जाएगा। बीच में इसके देखें इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। अच्छा, दिस राउट विल मैच ए बी सी डी ए बी बी सी डी ए बी 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 सी डी, इन्होंने बोला कि यार प्लस बीच में कुछ भी आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे स्टेरिक लगा दिया इन्होंने, कह रहा है कि ए बी ओ उसके बाद कोई भी टेक्स्ट हो उसके बाद सी डी ओ, तो ये उस पर चल जाएगा, ठीक है। इसको भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़ सकती है मे बी, ठीक है। ये कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, इसका पूरा रेफरेंस भी है अंदर के पैटर्न किस तरह काम करते हैं क्या करते हैं। तो ये हमने इस पॉइंट पे क्या समझ लिया, दो चीज़ें समझ ली, नंबर एक मेथड सारे समझ लिए कि ये मेथड का क्या चक्कर है, नंबर दो उसका पाथ किस किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है वो हमने समझ लिया। अच्छा, अब हम ज़रा समझ लेते हैं कि वो मिनी राउटर किस चीज़ को कहते हैं। अब हम ज़रा मिनी राउटर, अच्छा मिनी राउटर से पहले एक चीज़ और भी, ऐप डॉट यूज में ज़रा चलने की कोशिश करते हैं हम, ऐप डॉट यूज़ के अंदर जो हम मिडिल वेयर फंक्शन लगाते हैं उसको भी ज़रा सा समझ लेते हैं कि वो क्या चक्कर है जी। ये ज़रा ना इसको समझ लो गौर से कि ये मिडिल वेयर फंक्शन क्या भला होती है, ठीक है। मिडिल वेयर फंक्शन जो है वो क्या चीज़ होती है, उसको इन्होंने अलग से यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी एक बनाया हुआ है। अच्छा, गौर से इसको समझना है बिल्कुल। ये जो फंक्शन है ना, इतना फंक्शन जो ये, चाहे वो पोस्ट वाला मेथड हो, चाहे वो गेट वाला मेथड हो, चाहे वो ऐप डॉट यूज वाला मेथड हो, इतना फंक्शन ना सब में सेम लगता है। इस फंक्शन के जो मैक्सिमम पैरामीटर हैं वो तीन है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि हमें ना, जैसे ये एक्सप्रेस की ऐप यहाँ से शुरू हुई, ये तो हमें पता है ये सबसे पहली लाइन, ये हम हैंडल बनाते हैं ऐप का, उसके बाद शुरू हुई तो हम पहली लाइन में हमने लगा दिया ऐप डॉट यूज़। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम क्या चाहते हैं कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आए ना तो वो किस आईपी से आ रही है और कितने बजे आई है और किस स्लैश यूआरएल की स्लैश प्रोफाइल स्लैश यू, तो ये तीन चीज़ें मैं प्रिंट करूँ, मैं ये चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊँगा ऐप डॉट यूज़, ठीक है। ऐप डॉट यूज़ लगाने के बाद उसके अंदर मैं एक अदर मिडिल वेयर फंक्शन लगाऊँगा, और मिडिल वेयर फंक्शन लगाने के बाद ना यहाँ पर मैंने देखो टाइम को लॉग किया है डेट डॉट नाउ करके, इसी तरह रिक्वेस्ट डॉट आई पी करूँगा तो रिक्वेस्ट की आई पी प्रिंट हो जाएगी, और इसी तरह मैं रिक्वेस्ट में जो जो चीज़ें हो सकती है ना पॉसिबली, वो सब रिक्वेस्ट पर डॉट लगा के मिलती है। वो भी हम देख लेंगे थोड़ी देर में कि इस पर और क्या क्या मिलता है हमें इस रिक्वेस्ट पर, ठीक है। ये मिडिल वेयर फंक्शन है। अच्छा, तो जो भी चीज़ें यहाँ पर मुझे प्रिंट करनी थी वो मैंने प्रिंट कर दी। अब उसके बाद अब मैं क्या करूँ इस रिक्वेस्ट के साथ, मैं इसको बोलूँगा कि नेक्स्ट, सही है। अच्छा, नेक्स्ट से क्या होगा कि देखो मिसाल के तौर पे ये एक मिडिल, ये एक राउट है, इस पे रिक्वेस्ट हिट हुई। अब मैं जब यहाँ से नेक्स्ट कॉल करता हूँ ना, तो इस राउट से रिक्वेस्ट बाहर निकल जाएगी और फिर पाइपलाइन मैकेनिज्म में वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। जैसे हमने शुरू में भी एक बात जिक्र हुआ था कि जी एक्सप्रेस की ऐप में जब आपकी रिक्वेस्ट आती है तो वो पाइपलाइन मैकेनिज्म में ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। अभी मेरी रिक्वेस्ट पहले ही राउट पर हिट हो गई, लेकिन इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ से रिस्पॉन्स भेज ही दूँ। हमने पहले तो ये देखा था ना कि अच्छा जहाँ हिट हो गई वहाँ से हम रिस्पॉन्स भेज देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ से रिस्पॉन्स भेज ही दूँ।
मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट कॉल करूँगा तो ये क्या चला जाएगा, ये अगले राउट की तरफ मूव कर जाएगा। अगर तो अगले राउट पर ये मैच होता है तो हिट होगा, नहीं होगा तो अगले की तरफ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर इमेजिन करें इस पर भी हिट हो गया, ये यहाँ पर भी मैंने कोई छोटा मोटा काम कराया और मैंने नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट करते हुए मैं इसकी क्या कर सकता हूँ, रिस्पॉन्स की बॉडी को और रिक्वेस्ट की बॉडी को दोनों को पॉपुलेट भी कर सकता हूँ। रिक्वेस्ट की बॉडी में थोड़ा सा, या रिक्वेस्ट को इस्तेमाल ना करें अगर कोई अलग से वेरिएबल बना लें, मतलब ये है कि पहले मिडलवेयर में जो मैंने काम किया है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में कोई चीज़ थी उसमें मैंने एक एडिशनल चीज़ रखवा दी, तो मैं ये भी काम कर सकता हूँ। रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है ना इसको मैं मज़ीद पॉपुलेट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया कि इस वाले राउट के अंदर मैंने ये चेक किया कि यार ये जो यूज़र है ना इसने अपनी एज कितनी सामने से लिख के भेजी है, तो वो एज क्या सही है या नहीं है, समहाउ उसको मैंने वेरीफाई करके और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट वेरीफाई इक्वल टू ट्रू कर दिया मैंने, सही है। और फिर मैंने नेक्स्ट कॉल किया, तो अब जब नेक्स्ट करके ये अगले पे जाएगा ना, जब इधर जाके जब हिट होगा तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही होगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो मैंने मैनिपुलेशन की है ना वो मुझे मिल रही होगी, ठीक है। अब इसका क्या बेनिफिट हो सकता है वो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, मैंने लॉग इन साइनअप का फ्लो बनाना है, ठीक है। अब लॉग इन साइनअप का फ्लो जब हम बनाते हैं तो उसमें जो सबसे पहला जो होता है राउट वो लॉग इन हो सकता है और साइनअप हो सकता है, सही है। लॉग इन और साइनअप शुरू में टॉप पे आ गए, बंदा स्लैश लॉग इन हिट करेगा, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देगा साथ में, मैं डेटा बे मतलब इस मिसाल के तौर पे समझ लें ये लॉग इन की रिक्वेस्ट है मेरी, तो इस जगह पे मैं क्या करूँगा, मैं वो यूज़र नेम और पासवर्ड लूँगा, डेटाबेस में चेक करूँगा ये यूज़र मौजूद है या नहीं है। अगर वो यूज़र मौजूद होगा तो मैं क्या करूँगा, उसको टोकन दूंगा वापस, एक टोकन बना के दूंगा जो वो हर दफ़ा लेकर आएगा, और अगर वो रिक्वेस्ट यूज़र मौजूद नहीं होगा तो मैं मना कर दूँगा। अच्छा, अब ये लॉगिन तो हो गया, अब लॉगिन होने के बाद ये जब मुझे रिक्वेस्ट करेगा ना कि स्लैश प्रोफाइल, लॉगिन हुआ हुआ बंदा अपनी प्रोफाइल गेट कर सकता है। अच्छा, जब मैं स्लैश प्रोफाइल की रिक्वेस्ट हिट करेगा ना, तो अब दोबारा से आ जाओ, ये मेरी ऐप शुरू हुई इसमें स्लैश प्रोफाइल की रिक्वेस्ट आई। अच्छा, इमेजिन करो कि इस जगह पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, जहाँ पे अभी कुछ चीज़ मौजूद नहीं है, इमेजिन करो यहाँ पे लॉगिन और साइनअप का सर्वर था, उसके बाद मैं लगाऊंगा ऐप डॉट यूज़ और उसके बाद मैं रखूँगा यहाँ पे स्लैश प्रोफाइल, ये सिनेरियो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, स्लैश प्रोफाइल है तो लॉगिन और साइनअप पे तो हिट होगी नहीं, लेकिन इस पे हिट होते हुए नीचे की तरफ जाएगी क्योंकि ये ऐप डॉट यूज़ है। इस पॉइंट पे मैं चेक करूँगा कि क्या वो टोकन सही है या नहीं है, वो कैसे चेक करूँगा वो हम बाद में देखेंगे। इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि क्या उसका टोकन वैलिड है या नहीं है। अगर टोकन वैलिड होगा तो मैं नेक्स्ट कॉल करूँगा तो वो आगे की तरफ स्लैश यूज़र पे चली जाएगी और जाके हिट हो जाएगी और वहाँ से उसको रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। अगर इस जगह पे मुझे उसका टोकन समझ आता है कि नहीं जी इसका टोकन वैलिड नहीं है, तो मैं यहीं से बजाय नेक्स्ट कॉल करने के इफ़ एल्स लगा के ना, मैं इफ नेक्स्ट और एल्स में वो उसको रिस्पॉन्स भेजूंगा कि यार योर टोकन इज़ नॉट वैलिड, प्लीज़ लॉग इन, ये भेजूंगा, समझ रहे हो बात। तो ये मेरा एक बैरियर का भी काम करता है, ऐप डॉट यूज़ का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है वो एक बैरियर की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह बॉडी को पार्स करने के लिए हमने ऐप डॉट यूज़ और एक्सप्रेस डॉट जेसन जो लगाया था, अगर वापस हम अपने कोड में आए यहाँ पे, तो हमने जो है ना यहाँ पे जो एक चीज़ लगाई थी अगर आपको याद हो तो, ये वाला देखो ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब देखो ये ऐप डॉट यूज़ जो है ना, ये एक्चुअली वो मिडलवेयर है, एक्चुअली वो राउट है ये, ठीक है, जिस पे कोई पाथ नहीं लगा हुआ। ऐप डॉट यूज़ में हमारे पास ये बेनिफिट होता है ना कि ये स्लैश का पाथ अगर मैं लगा दूँ तो ठीक है, नहीं लगाऊँ तो कोई मसला नहीं है, वो सब पे हिट होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ ना ए बी सी, ठीक है, तो रिक्वेस्ट अगर आएगी ना उसमें ए बी सी के बाद, अगर जैसे स्लैश ए बी सी और स्लैश के बाद कुछ भी हो आगे, वो रिक्वेस्ट इस पर हिट हो जाएगी, सही है। ऐप डॉट यूज़ में ये होता है, ए बी सी होना ज़रूरी है उसके आगे, तो अगर मैं कुछ भी ना लगाऊँ तो ये हर रिक्वेस्ट पर हिट होगी, ये समझ आई ना बात। अच्छा, अब उसमें ये जो चीज़ लगी हुई है ये क्या है, ये एक मिडलवेयर फंक्शन है। अच्छा, ये मिडलवेयर फंक्शन कहाँ बना हुआ है मुझे नहीं पता, एक्सप्रेस ने बना के कहीं, मतलब ये फंक्शन मैंने पास किया है, ये एक थर्ड पार्टी फंक्शन है, इसको समझ लो आप, जो मैंने नहीं बनाया, बना पहले से बना हुआ था, वो फंक्शन बना के यहाँ पास किया। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन बॉडी को पार्स करता है और उसके बाद बॉडी को पार्स करने के बाद क्या करता है, नेक्स्ट कॉल कर देता है। नेक्स्ट कॉल करता है तो वो रिक्वेस्ट मेरे पास यहाँ पे पहुँचती है, समझ रहे हो बात। नेक्स्ट समझ आया कि नेक्स्ट क्या चीज़ होती है, मिडलवेयर फंक्शन थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अब मिडलवेयर फंक्शन में हमने क्या क्या समझ लिया, हमने ये मेथड समझ लिया, हमने इसका ये पाथ समझ लिया। अच्छा, गेट की प्रोफाइल के अंदर अगर मैं ये पाथ ना लगाऊँ ना तो ये मसला करता है फिर। अच्छा, वैसे एरर तो नहीं दे रहा, लेकिन ये है कि इसमें पाथ हम ज़रूर लगाते हैं, ऐप डॉट यूज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम हम पाथ नहीं लगा रहे होते हैं। अच्छा,
क्या मैं नेक्स्ट को सिर्फ ऐप डॉट यूज में कॉल कर सकता हूँ? नहीं, मैं नेक्स्ट को किसी भी मिडलवेयर फंक्शन में कॉल कर सकता हूँ. क्यों? कि जो ऐप डॉट यूज में मैं मिडलवेयर फंक्शन पास करता हूँ या ऐप डॉट गेट में करता हूँ या ऐप डॉट पोस्ट में करता हूँ, ये मिडलवेयर फंक्शन सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है. एक दफ़ा मिडलवेयर फंक्शन मैंने बना लिया, मैं किसी भी मेथड पे पास कर सकता हूँ. यहाँ पे देखो, मैंने दो पैरामीटर दिए, कॉमा डाल के मैं नेक्स्ट तीसरा दूंगा तो ले लेगा. जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन में क्या होता है कि जी तीन पैरामीटर आपने दो दिया तो भी चल जाता है, तो इस वजह से वो दो पे भी चल रहा है. ठीक है, अगर ये कोई दूसरी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज होती तो तीनों देना पड़ता फिर हमें. ये जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी नरम लैंग्वेज है, स्ट्रिक्ट नहीं है. तो ये सीक्वेंस पे डिपेंड कर रहा होता है. तो अगर मैंने शुरू के दो दे दिए तो तीसरा मैं ना भी दूँ तो कोई मसला नहीं, चलता रहेगा. लेकिन ये मिडलवेयर फंक्शन सारे के सारे ये हैं सेम, इनमें कोई फर्क नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से भी नेक्स्ट कॉल कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी नेक्स्ट कॉल कर सकता हूँ. इस पे हिट हुआ, मैं नेक्स्ट कर दूँ, आगे भेज दूँ उसको मैं. लेकिन जो उसका यूज़ केस था वो मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया. लॉग इन साइनअप के बाद जो बैरियर है ना, वो इसके ज़रिए हम लगाते हैं. नेक्स्ट कॉल करके हम उसको हैंडल कर रहे होते हैं मोस्टली. अच्छा, अब आ जाते हैं वापस हम इधर. अभी इसको जल्दी से हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करना है, हमारे पास 10-15 मिनट अभी रहते हैं. और कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमने मिस की है अभी? हाँ, एक चीज़ हमने अभी और देखनी है किसी भी राउट को मैं एक से ज्यादा मिडलवेयर फंक्शन भी दे सकता हूं. नोट कर रहे हो ये बात? किसी भी राउट को, अभी पहले तो मैंने ये कहा था ना कि जी अच्छा जी एक राउट इधर है और उसके नीचे दूसरा राउट है, तो मैं पहले से नेक्स्ट कॉल करता हूँ, दूसरे में आगे गिरता है वो. ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि जी ऐप डॉट गेट और स्लैश एग्जाम्पल, एक ये एक मेरे पास ये राउट बना हुआ है, इसमें लेकिन एक से ज़्यादा मिडलवेयर फंक्शन भी मैं क्या कर सकता हूँ, पास कर सकता हूँ. अच्छा, इन्होंने यहाँ पे फंक्शन पहले अलग से बना लिया है और यहाँ पे एरे के अंदर कॉमा सेपरेटेड करके दिया है, मैं यहीं पे भी बना सकता हूँ. मतलब इस सी बी जीरो की जगह मैं पूरा फंक्शन दे सकता हूँ. ठीक है, अगर मैं इसको कोड में लिखने की अगर कोशिश करूँ तो मे बी मैं कैसे कर सकता हूँ कि ये एक मिडलवेयर फंक्शन बना हुआ है, इसमें मैंने कॉमा डाला और एक और बना दिया फंक्शन. ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट. ठीक है, तो इस तरह भी कर सकता हूँ मैं, समझ रहे हो बात ये? अच्छा, लेकिन इसका बिहेवियर क्या होगा? देखो, अब ये कुछ इस तरह की सिचुएशन हो गई है. ठीक है, ये मेरे पास एक राउट है, इसमें पहला फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन ये. अब मैं पूरे पूरे फंक्शन बना दूं, ये जैसे इन्होंने किया है यहाँ पे, सिर्फ फंक्शन का नाम पास कर दिया है, ऐसे कर दूं, एक ही बात है. अच्छा, इसका बिहेवियर ये होगा कि जब इस राउट पे कोई भी रिक्वेस्ट हिट होगी ना, तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट पहले मिडलवेयर में दाखिल होगी. ठीक है, मेरे केस में यहाँ पे अगर आओ तो मेरा पहला मिडलवेयर ये वाला है, इस पहले मिडलवेयर में मेरी रिक्वेस्ट दाखिल होगी. अगर मैंने यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट सेंड अगर मैंने कॉल कर दिया, तो मेरा रिस्पॉन्स चला जाएगा और दूसरे वाले फंक्शन में कभी भी वो रिक्वेस्ट दाखिल नहीं होगी. अगर मैं पहले वाले से मैं कॉल करता हूँ नेक्स्ट, अगर इसको मैं रोक दूँ और मैं नेक्स्ट कॉल करूँ, तो वो रिक्वेस्ट बजाय दूसरे राउट पे जाने के ना, दूसरे मिडलवेयर फंक्शन पे जाएगी. और अगर इस दूसरे मिडलवेयर फंक्शन से भी मैं नेक्स्ट कॉल करूँ, तो फिर मेरी रिक्वेस्ट अब जाएगी, क्योंकि अब आगे कोई दूसरा मिडलवेयर फंक्शन नहीं है, तो दूसरे राउट की तरफ मूव कर जाएगी. समझ रहे हो? ये राउटिंग मैकेनिज्म, ये जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं, ये हम एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं. ये फ्रेमवर्क स्पेसिफिक चीज़ है, इसका जनरल प्रोग्रामिंग से कोई ताल्लुक नहीं है. किसी दूसरे फ्रेमवर्क में ये चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती हैं. ये फ्रेमवर्क स्पेसिफिक चीज़ है, ये याद रखो. इसका इन जनरल सर्वर बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है. अभी एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क है, इसमें यह काम इस तरह होता है. कोई दूसरा फ्रेमवर्क होगा, राउटिंग उसमें भी होगी, लेकिन हो सकता है उसमें राउटिंग का नाम राउटिंग ना हो, कुछ और हो सकता है उसमें राउटिंग करने का जो ये तरीका है ये ना हो, कुछ और. अच्छा, आमतौर पर वैसे इतना ज़्यादा चेंज करते नहीं है, क्योंकि एक फ्रेमवर्क जो है ना, दूसरे फ्रेमवर्क से जो है वो चीज़ें इनहेरिट कर रहा होता है. जैसे अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी क्या है, सी लैंग्वेज को कहते हैं मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो जावास्क्रिप्ट का जो 90% सिंटैक्स है वो सी लैंग्वेज वाला है. इफ एल्स, फॉर लूप, वेरिएबल बनाने का जो तरीका है, वो सारा वो सी लैंग्वेज वाला तरीका है. तो इसमें भी यही होता है कि जी एक फ्रेमवर्क अगर चल रहा है ना कोई सर्वर बनाने का, तो दूसरा फ्रेमवर्क आता है तो वो आधी चीज़ें उसमें से बोरो कर लेता है आइडिया को, कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करता है, कुछ चीज़ों को चेंज करता है. एंटायरली सारा का सारा माल चेंज नहीं होता है आमतौर पर, लेकिन हो भी सकता है. कोई गारंटी भी नहीं है कि हो नहीं होगा. सही है, हो भी सकता है. अच्छा जी, तो हमने इस पॉइंट पे क्या समझ लिया? हमने मेथड समझ लिया,
हमने पाथ समझ लिया, मेथड और पाथ दोनों को मिला के एक राउट बनता है, वो हमने समझ लिया। एक राउट पर जब रिक्वेस्ट हिट होती है तो मिडलवेयर फंक्शन में वो दाखिल होती है, मिडलवेयर फंक्शन का बिहेवियर हमने समझ लिया कि रिक्वेस्ट जो है उसमें रिक्वेस्ट की तमाम चीज़ होती है, रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स भेजने का मेथड होता है, और तीसरा नेक्स्ट होता है जो अगले मिडलवेयर में भेजने का हैंडल होता है मेरे पास। ठीक है, ये सारी बात समझ आ गई। अच्छा, अब हम ज़रा ना, अच्छा ये सारा काम जैसा कि मैंने शुरू में किया था, शुरू में बात की थी, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये सर्वर को ऑर्गेनाइज करने का सारा मंजन है। ठीक है, ये कोड को जो हमारे कोड में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमारा जो प्रोग्रामिंग का जो हम कोड लिखते हैं उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना। अब मिसाल के तौर पर कोई छोटा सा लॉजिक है, कोई छोटी सी अगर लॉजिक है जो मुझे हर मिडलवेयर में चाहिए, हर राउट में मुझे चाहिए, तो मैं उसका एक अलग फंक्शन बना लेता हूँ और मैं दो दो मिडलवेयर करके लगा रहा होता हूँ, समझ लो। अब इंशाल्लाह हम फाइल अपलोड पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये दो मिडलवेयर वाला तरीका इस्तेमाल करके देखेंगे हम। ठीक है, नॉट जी एस पे अभी हमने फाइल अपलोड नहीं सीखा, वो जब सीखेंगे तो दो मिडलवेयर उसमें हम देखना कैसे लगा रहे होंगे। ठीक है जी, अच्छा अब ज़रा हम वो पढ़ लेते हैं जी, मिनी राउटर। मिनी राउटर को पढ़ने के लिए हम अपने कोड में आ जाते हैं, और कोड में आके हम क्या करते हैं, ये जो सारा का सारा कोड है हमारा पहले का लिखा हुआ, इसको हम कर देते हैं, चलो कोर्स को तो रहने देते हैं। इसमें ना ज़रा फ्लो हम उस तरह का ही बना लेते हैं, लॉगिन साइनअप वाला फ्लो ना, एक डमी, एक समझ लो एक डमी वो बना रहा हूँ मैं। तो जी सबसे पहले मेरे पास लॉगिन का एक राउट होगा यहाँ पे, सही है, लॉगिन होगा। इसमें मैंने कहा कि जी दिस इज़ लॉगिन, और अभी मैं लॉगिन का कोई प्रोसेस नहीं कर रहा। ठीक है, ये मेरा लॉगिन का राउट हो गया, ऐसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ अभी। इसके बाद मैं बना देता हूँ साइनअप का राउट, साइनअप का राउट हो गया ये। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो मैंने बनाया, जैसा कि हमने वो कल डिस्कस की थी बात कि जी वो हर रिसोर्स के वो चार चार मेरे पास होंगे, क्या होंगे चार चार मेरे पास, चार API होगी हर रिसोर्स की एटलीस्ट, या एक्सप्रेस की ज़ुबान में बात करो तो चार राउट एटलीस्ट होंगे या पांच राउट होंगे हर रिसोर्स के अगेंस्ट। तो वो ज़रा मैं कहाँ पे मैंने वो कोड लिखा था, वो मैंने कोड कौन सी फाइल में लिख दिया था, वेज ऑफ आउटपुट में ही लिख दिया था। हाँ, ये जो बात है ना, ये वाली, ये सारे राउट अब हम बना लेते हैं जल्दी से, है ना, ये सारे राउट हम बना देते हैं, क्योंकि ज़्यादा राउट होंगे तो ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं वो बात समझ आएगी ना। अगर राउट ही चार होंगे तो उसको ऑर्गेनाइज क्या करेंगे, तो ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले सामान ज़्यादा होना चाहिए। तो हम जल्दी से आके ना लॉगिन साइनअप के बाद ये मेरे पास एक मिडलवेयर बना लेते हैं हम इसका, ऐप डॉट यूज़। ठीक है, ये मिडलवेयर फंक्शन हो गया, जिसमें मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा इसको। ठीक है, मैंने कहा इफ़ टोकन इक्वल्स इक्वल्स वैलिड, ये सूडो कोड लिख रहा हूँ मैं इसका, ये एक्चुअल कोड नहीं, जाहिर है टोकन वैलिड इस तरह नहीं चेक होगा। टोकन वैलिड चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, उस टोकन को जिस लाइब्रेरी से उसको जनरेट किया उसी लाइब्रेरी से उसको वेरीफाई करना होगा। अगर टोकन वैलिड है तो मैं कहता हूँ कि जी नेक्स्ट कॉल कर दो यहाँ पे से, ये मैं स्टिल सूडो कोड लिख रहा हूँ थोड़ा सा, और एल्स में मैंने क्या कह दिया कि यार रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो, एक जेसन बना दो उसके अंदर, और मैसेज उसमें लिख दो कि भाई इनवैलिड टोकन। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये स्लैश वेदर है मेरे पास, स्लैश वेदर को मैं रहने देता हूँ लास्ट में, और अब मैंने ये सारी APIs यहाँ पे बनानी है। ठीक है, ये मेरा बैरियर हो गया। अब जब भी मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, अगर तो लॉगिन की है तो यहाँ हिट होगी, साइनअप की है यहाँ हिट होगी, अगर इनमें से कोई और है तो पाइपलाइन में नीचे गिरेगी, तो पहले इस बैरियर पे आके अटकेगी। इस बैरियर पे मैं टोकन को वेरीफाई कर रहा हूँ। एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेस का सर्वर है वो इसी तरह का होता है। ठीक है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडर्ड सर्वर की तरफ मूव कर रहे हैं, एक क्लासिक सर्वर इसको कह लो कि ना, मोस्टली जाहिर है लॉगिन साइनअप तो हर सर्वर पे होता ही होता है। ये बैरियर हो गया, इस बैरियर से नीचे गिरेगी तो ये पोस्ट गेट कर पाएगा बंदा, API पोस्ट के अलावा और क्या, यूज़र हो सकता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि जी यूज़र, ठीक है, यूज़र क्रिएट करना, यूज़र डिलीट करना, ये वो वाला काम हो रहा होगा सारा। अच्छा, तो अब एक एक करके इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, API में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, ये लॉगिन और साइनअप की जो दोनों रिक्वेस्ट है गेट नहीं होगी, ये दोनों की दोनों पोस्ट होगी। ठीक है, क्योंकि पोस्ट बॉडी में डेटा भेज रहे होते हैं तो पोस्ट होगी ये। अच्छा, और मैं इसमें से एक को कॉपी करके ना इसी की डुप्लीकेशन करना शुरू कर देता हूँ।
अच्छा, जैसा कि मैंने कहा था, पहले जिक्र किया था कि भाई इसको बनाने का जो प्रॉपर तरीका है ना, वो है /API/V1। ये शुरू में मुझे लाजमी चाहिए क्योंकि V2 भी तो बनाऊंगा मैं। अगर मैं डायरेक्ट स्लैश साइन अप रख दिया तो V1 V2 का फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है? तो बेहतर ये होता है कि V1 करके मैं बनाऊँ साथ में। तो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने बना दिया कि जी यूज़र की आईडी होगी और पोस्ट की आईडी होगी, और यहाँ से रिस्पॉन्स में मैंने भेज दिया कि जी ठीक है जी, आपका ना पोस्ट क्रिएटेड हो गई है। ठीक है, पोस्ट क्रिएटेड, ये एक एपीआई बन गई। अब इसी की जाहिर है दूसरी एपीआई मुझे चाहिए, वो कौन सी चाहिए मुझे, ये वाली। सही है, सिंगल पोस्ट क्रिएट करने की और मल्टीपल पोस्ट क्रिएट करने की। इसमें भी मैंने कहा जी पोस्ट क्रिएटेड हो गई आपकी। और अगली चीज, सही है। अच्छा ये तो गेट था ना, दोनों ये गेट था, ये गेट करने की थी, एक पोस्ट और एक से ज़्यादा पोस्ट। ठीक है जी, ये दोनों मैंने बना लिए। अब यहाँ से पोस्ट शुरू हुआ है, ठीक है, पोस्ट पोस्ट हो गई। यहाँ पे आ गया जी ये पुट, सही है जी, ये पुट बन गया। और इसी तरह मैं क्या बना दूंगा इसको, एक अदद डिलीट बना दूंगा इसको। सही है, डिलीट में ये URL सेंड। अच्छा ये क्या हो गया, ये पोस्ट के जो तमाम रिसोर्सेज थी वो तैयार हो गई मेरी, तमाम राउट्स जो थे पोस्ट के वो तैयार हो गए। सही है, कचरा होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो उसमें मैंने लॉजिक नहीं लिखी, अभी बिजनेस लॉजिक लिखूंगा, ये और कचरा होगा। अच्छा ये हो गया, अब हम बना लेते हैं यूज़र का, यही चार आइटम। ठीक है, या बल्कि यूज़र छोड़ो, कॉमेंट का बना लेते हैं। ठीक है, कॉमेंट का बना लेते हैं। तो मैंने कहा कि जी ऐप डॉट गेट हो गया ये, और ये इसका जो है ना वो राउट बन गया, ये इसका पाथ बन गया। सही है जी, एक कमेंट्स हो गया। सही है, यूजर आईडी और कमेंट आईडी, सिंगल कमेंट गेट करने का माल ये हो गया, और कमेंट्स स्लैश यूजर आईडी, किसी एक यूजर के तमाम कमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे शायद बल्कि पोस्ट होगा, क्योंकि कमेंट तो पोस्ट पे होता है ना, तो किसी एक पोस्ट की जो है ना तमाम कमेंट्स, किसी एक पोस्ट के तमाम कमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे यूज़र आईडी नहीं होगा, यहाँ पे पोस्ट आईडी होगा एक्चुअली। सही है, तो किसी एक पोस्ट के, किसी एक पोस्ट का कोई एक कमेंट। सही है, किसी एक पोस्ट के तमाम कमेंट्स, ये दो मैंने बना दिए। अच्छा तीसरा बना देते हैं जी हम, कि जी कमेंट्स। ये तो कोई रिक्वेस्ट नहीं हुई ना, क्योंकि कमेंट किसके, कमेंट तो पोस्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो ये एक्चुअली कोई चीज़ है ही नहीं। सही है, पुट वाला बनाते हैं। ठीक है जी, पुट और किसी एक पोस्ट का कोई एक कमेंट मैंने चेंज करना है ऑब्वियसली। सही है, किसी एक पोस्ट का कोई एक कमेंट मैंने अपडेट करना है, और इसी तरह डिलीट, किसी एक पोस्ट का कोई एक कमेंट मैंने डिलीट करना है। ठीक हो गया जी, अब मेरे पास क्या हो गया, ये ज़रा स्पेस बीच में मैंने कहीं कहीं छोड़ दिया है। उसके बाद ये लेफ्ट फीड है, जो फीड को भी चलो बना देते हैं। गेट की रिक्वेस्ट होगी इसमें, ठीक है, और स्लैश फीड स्लैश यूज़र आईडी, क्योंकि फीड क्या होती है, हर यूज़र के साथ एसोसिएटेड होती है। अच्छा कुछ मैंने स्लैश API स्लैश V1 मिस कर दिया है, ज़रा मैं इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ। ओ वाई, सही है, स्लैश API यहाँ पे लगेगा और स्लैश V1 होगा।
ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास एक वेदर करके भी है। अच्छा वेदर में भी क्या होगा जी कि स्लैश API स्लैश V1 होगा। इसी का कल को मैंने V2 अगर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? स्लैश API स्लैश V2 API आर फॉर एवर। नमाज के लिए कितने बजे? 9:10 पे। अच्छा ठीक है, कल को मुझे V2 बनाना होगा तो मैं इस तरह करके बनाऊंगा। समझ आ गई ये बात? अब इसको जो है ना मैंने डिफरेंट फाइल में ऑर्गेनाइज करना है। अब ये एक फाइल में देखो ना, अभी मैंने 200 लाइन तक तो ये पहुंच गया कोड काइंड ऑफ। यार ये मैंने कौन से फाइल में चेंज कर दिया? हाँ सही है, सही फाइल में किया। अच्छा ये क्योंकि मैंने उसी की कॉपी बनाई थी ना तो इसमें भी नीचे दिख रहा है। ये मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि यार ये नीचे दोबारा कहाँ से आ गया ये, क्योंकि मैंने उसी की कॉपी बनाई है ना तो इसलिए मुझे वो नीचे भी दिख रहा था। अच्छा सही है, अब मुझे क्या करना है, ये सारे जो यूज़र और सॉरी सारे ये पोस्ट से मुतालिक जो है ना इसको एक अलग फाइल में लेके जाना है, और ये सारे जो कमेंट से मुतालिक थे इसको भी मैंने एक अलग फाइल में लेके जाना है, और फिर ये फीड से मुतालिक इसको एक तीसरी फाइल में लेके जाना है। इसको मैंने ब्रेक डाउन करना है अलग अलग फाइलों में, ऑर्गेनाइज करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आके मैं एक फोल्डर बना दूँगा राउट्स के नाम से, सही है। और राउट्स के अंदर जाके मैं सबसे पहले एक फ़ाइल बना दूँगा comment.mjs, सही है। कॉमेंट्स चलो ऐसा लगा देते हैं, बल्कि चलो ऐसा नहीं लगाते। और कॉमेंट के अलावा और क्या है मेरे पास दूसरा? post.mjs, और तीसरा मेरे पास है feed.mjs, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से ना आधा आइटम ला के मैंने इसके अंदर रखना है। अब मैं ये काम कैसे करूँगा, मैं सीधा सीधा ये काम ऐसे कर सकता हूँ कि इसको मैं सबको यहाँ से ऐसे पकड़ूँ, कट करूँ, और कट करके इसको मैं कहाँ रख दूँ लाके? कौन सा वाला कट किया मैंने अभी? पोस्ट वाला कट किया। तो मैं पोस्ट में लाके ना इसको ऐसे यहाँ पे यूँ पेस्ट कर दूँ, ठीक है, फ़िलहाल के लिए, ताकि यहाँ से कचरा तो कम हो। समझ ही नहीं आ रहा, सारा वो हो गया। कॉमेंट वाले को मैंने कट किया और कॉमेंट वाले में ले जाके ऐसे पेस्ट कर दिया, सही है। और फीड वाले को मैंने यहाँ से कट किया और फीड में ले जाके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। काफ़ी हद तक मामलात कंट्रोल में आ गए हैं। अच्छा लॉगिन साइनअप वाले को भी मैं क्या करूँगा, इसमें भी जाहिर है स्लैश API स्लैश V1, तो इसमें भी लिखना है मुझे, क्योंकि V1 बना रहा हूँ मैं API का अपना। सही है, इसके साथ भी ये बात तो मैंने लिखनी है स्लैश API स्लैश V1। अच्छा इन दोनों को भी मैं यहाँ से फिर कट करूँगा और यहाँ पे मैं जाके क्या कर दूँगा, auth.mjs करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा इन दोनों को, ठीक है। और मैं वापस आ जाऊँगा इसके ऊपर। अब चक्कर ये हो गया कि जब यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी ना तो ये गिरेगी पाइपलाइन मैकेनिज्म में नीचे, लेकिन इसको ये नहीं पता कि भाई दूसरी भी एक फ़ाइल है जहाँ पर मैंने जाना है। तो अब दूसरी फाइल तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मिनी राउटर का सेटअप करना पड़ेगा। मिनी राउटर कैसे सेटअप करते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। इन्होंने बोला भाई कि जो है ना आप क्या करोगे, एक्सप्रेस को रिक्वायर करोगे और एक्सप्रेस का राउटर बनाओगे आप, और राउटर डॉट करके फिर सारी चीज़ें लगा रहे होगे। तो आ जाओ भाई हम ये दोनों काम कर लेते हैं, एक्सप्रेस को इम्पोर्ट भी कर लेते हैं और एक्सप्रेस का हम राउटर भी बना लेते हैं। सबसे पहले ऑथ वाले में बनाते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस को इम्पोर्ट कैसे करना था, हमें इसे यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया, एक्सप्रेस डॉट राउटर बना लिया। अब मैं ये नीचे वाला काम सारा ना राउटर डॉट करके करूँगा, राउटर डॉट पोस्ट, ठीक हो गया। वापस आ जाता हूँ मैं, इसने कैसे बताया, और इसने कहा जी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके ना आप राउटर को यहाँ से क्या कर दोगे, एक्सपोर्ट कर दोगे, ठीक है। अब हमारे नए वाले जो जावास्क्रिप्ट है उसमें ऐसे नहीं करते हैं, उसमें हम करते हैं एक्सपोर्ट const router equals router, नहीं यार router तो पहले से बना हुआ है ना मेरे पास, just export router में क्या मसला है,
एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यार एक मिनट ज़रा मैं देख लेता हूँ कि एक्सपोर्ट का मैं सिंटेक्स भूल गया। ये तो पुराना वाला तरीका आ गया। क्या हो गया, एक्सपोर्ट करना क्यों नहीं बता रहा कोई? एक बने हुए वेरिएबल को मुझे एक्चुअली क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। अच्छा ये सब लोग कह रहे हैं कि वो उसको बनाते हुए एक्सपोर्ट कर लो आप, तो मैं बनाते हुए एक्सपोर्ट कर देता हूँ। मैंने कहा कि जी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट राउटर, वो कह रहे हैं ऐसे कर दो, नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। जब वेरिएबल बनाते भी बोल दो कि एक्सपोर्ट होने वाला वेरिएबल है, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं डिफ़ॉल्ट लगा दूं तो फिर मुझे कॉन्स्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, सही है। डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब होता है अभी वो भी हम देखते हैं, बगैर डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट वाला क्या होता है वो भी हम देखते हैं। चलो डिफ़ॉल्ट हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, सही है, डिफ़ॉल्ट हटा दिया मैंने। अच्छा अब ये पूरा राउटर मेरा ना बन के यहाँ पर क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है मेरा राउटर ये। अच्छा इस राउटर को बन के तैयार होने के बाद मैं यहाँ पे कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको करूँगा इम्पोर्ट। मैंने कहा इम्पोर्ट करली ब्रेसेस फ्रॉम /routes/auth.mjs। यहाँ पे आके मैं control/ दबाऊँगा जब, ये रहा राउटर, ठीक है। राउटर के नाम से ये क्या हो गया, यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया। यहाँ पे राउटर के नाम से था तो राउटर के ही नाम से होगा। अगर मैं राउटर के अलावा कोई और चीज़ लिखूँगा ना तो ये एरर देगा। मिसाल के तौर पे मैंने ABC लिखा ना तो ये एरर देगा। अच्छा दे नहीं रहा लेकिन देगा ये। वेल तो इसको मैंने करली ब्रेसेस में करके जो किया ना, इसमें मुझे क्या होगा कि नाम मुझे वही लिखना पड़ेगा एग्जैक्टली जो मैंने वहाँ लिखा था। अच्छा अगर तो मैं डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ, यहाँ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट को हटा के मैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, तो फिर क्या होगा, मुझे ये कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका नाम मैं कुछ भी लिखूँगा ना वो उसी पे डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं auth router यहाँ पे नाम लिखूँगा इसका, ठीक है। अब मैं नाम कुछ भी लिखूँ मैटर नहीं करता। अच्छा असूलन तो मुझे वहाँ पर भी auth router ही लिखना चाहिए, लेकिन ठीक है फॉर द एग्ज़ाम्पल ये सही है कि वहाँ कुछ और नाम है यहाँ पर कुछ और नाम है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं जब डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करूँगा ना तो यहाँ पे मैं बगैर कर्ली ब्रेसेस के करूँगा। अच्छा एक चीज़ और, एक फाइल से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते, है ना। दो तीन करने हैं मुझे तो फिर मैं कर्ली ब्रेसेस लगा के करूँगा। मतलब मुझे अगर कोई और चीज़ एक्सपोर्ट करनी है यहाँ से तो फिर मैं क्या करूँगा, मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट ए एक्सपोर्ट बी ऐसे करके जो मुझे करना है ना। अच्छा इसमें इसके साथ कॉन्स्ट भी लगाऊँगा मैं, सही है, सिर्फ एक्सपोर्ट लिखूंगा तो कॉन्स्ट भी लगाऊंगा। तो अब इन दोनों को मैं कैसे इंपोर्ट करूंगा, इन दोनों को इंपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना होगा, ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाना होगा। और ए कॉमा बी के नाम से ही मैं कर सकता हूँ इसमें। अब मैं कॉमा कॉमा लगा के जितने एक्सपोर्ट हैं सबको यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकता हूँ। ये हमने Node.js का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीखा है असल में भी, ठीक है। अच्छा इसका एक्सप्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो करने का काम है ये MJS जो आपका है, जो Node.js जो हम पढ़ रहे हैं ये उसके अंदर पहले से मौजूद है, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जस्ट वो फ्रेमवर्क कह रहा है कि यार ऐसे करके मुझे आप दे दो, ठीक है। यहाँ से मैं उसको वो लाइट इसलिए हो रही है क्योंकि नीचे कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। अच्छा तो वो वहाँ पे ये राउटर बन के पूरा तैयार हो गया, इसको हम कह रहे हैं मिनी राउटर। मैंने अपनी एप्लीकेशन का एक पार्ट उठा के अलग कर दिया, इस पर अलग डिवेलपर काम कर रहा होगा, इसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया। अब इम्पोर्ट करने के बाद इसको मैं अपने मेन फ्लो में कैसे दाखिल करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा app.use, ठीक है, और मैंने कहा API क्यों बोलूँगा यहाँ पे, बस मैं auth router बोल दूँगा, auth router, ठीक है, सेट हो गया ये मेरा काम। अच्छा अब इस केस में क्या होगा,
कि अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ना, कोई सी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जब मैं मेरे ये मेन सर्वर पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, कोई भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, तो जब वो पाइपलाइन मैकेनिज्म में ऐसे गिरेगी ना नीचे, तो इधर आके अटकेगी वो। इधर आके जब अटकेगी ना, तो यहाँ से पूरी की पूरी रिक्वेस्ट उठ के कहाँ चली जाएगी? इधर चली जाएगी, और यहाँ पूरी पाइपलाइन मैकेनिज्म में ऐसे नीचे गिरेगी। अगर किसी से मैच हो गई तो रिस्पॉन्स चला जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ से पूरा नीचे ख़त्म होने के बाद ना वापस यहाँ से शुरू होगा। समझ आइए बात? ये मिनी राउटर बन गया। अच्छा जी, ये मिनी राउटर बन गया। अब बाकियों का भी मिनी राउटर इसी तरह बना लेते हैं हम, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए? उसके बाद क्या था? कमेंट। कमेंट राउटर चाहिए मुझे एक अदद। और एक मिनट देख लेते हैं ज़रा, इन्होंने यूज़ करना इसी तरह बताया ना, कहीं मैं गलत ना बता के निकल जाऊँ ना आगे। हाँ, इसी तरह बताया है, ठीक है। ये बर्ड डॉट जे एस की फाइल है, यहाँ नीचे एक्सपोर्ट मारा है, एक्सपोर्ट इन्होंने पुराना वाला किया है, और यहाँ पे रिक्वायर करके ना उसको बोला भाई ऐसे करके लगा लो। अच्छा, इन्होंने ये पाथ लगाया, ये पाथ मैंने अभी फ़िलहाल नहीं लगाया, अभी हम इसके ऊपर आते हैं कि ये पाथ जो है वो क्या चीज़ है। मैंने कॉमेंट राउटर हो गया मेरा, और क्या था? फीड राउटर चाहिए मुझे और पोस्ट राउटर चाहिए। पोस्ट राउटर और फीड राउटर, ठीक है, ये तीन राउटर हो गए मेरे। जो पहले तीन इतना लंबा चौड़ा कोड था ना, उसकी जगह देखो मेरा कोड कितना क्लीन होता चला जा रहा है। अच्छा जी, अब कमेंट राउटर में जाके मैं क्या करूँगा, ये वाला जो काम है ना, ये पूरा का पूरा ये मैं उधर भी लगा दूंगा। सही है, फीड में भी ये मैं चीज़ लगा दूंगा लाके, और पोस्ट वाले में भी ये चीज़ मैं लगा दूंगा लाके, और राउटर ये ऐप डॉट की जगह मैं क्या कर दूंगा, सब में राउटर डॉट लगा दूंगा। राउटर डॉट हो गया यहाँ पे भी, फीड में भी मैं यही काम करूँगा, राउटर डॉट गेट करूँगा इसको मैं, कमेंट में भी यही काम करूँगा मैं, राउटर में ये जो ऐप डॉट गेट करके इसको मैं क्या करूँगा, राउटर डॉट पुट कर दूँगा। सही है, सारे राउटर ये रेडी हो चुके हैं। अब इन सारे राउटर को मैंने जस्ट क्या करना है, इम्पोर्ट करना है और इस्तेमाल करना है। ये कोड आपको मिल जाएगा दोबारा, मतलब अगर कोई चीज़ अगर आप मिस भी कर रहे हैं बीच में, तो ये कोड मैं पुश कर दूंगा क्लास के बाद, तो उसको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। एज इट इज़ मिमिक करेंगे, जस्ट नाम चेंज होगा, सारा चीज़ें तो उसी जगह पर होंगी, चीज़ों की लोकेशन तो चेंज नहीं हो रही ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक को ऑथ राउटर को किया हुआ है, अब मैं आके ज़रा बाकियों को भी कर लेता हूँ। मैंने कहा जी ऑथ डॉट एम जे एस था ना एक, अब दूसरा कौन सा है मेरे पास? कॉमेंट, फीड और पोस्ट, ठीक है। इसको मैंने कर दिया कमेंट राउटर, इसको मैंने कर दिया फीड। देखो अब ये डिम नहीं हो रहा, डिम इसलिए नहीं हो रहा कि मैं नीचे पहले ही फीड राउटर लिख चुका हूँ, और इसको मैंने कह दिया पोस्ट राउटर, ठीक है। ये चार राउटर मैंने चार अलग अलग फाइलों में बना के रखे हैं, और यहाँ पे मैं इन चारों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, हो गया। अब पहले इसमें जाएगी रिक्वेस्ट, इसमें नहीं हिट हुआ तो बैरियर से गुजरेगी, बैरियर पास करेगा उसको, और बैरियर को पास करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आके पहले इसमें दाखिल होगी, पूरा अंदर तक जाएगी, फिर इसमें दाखिल होगी, फिर इसमें दाखिल होगी, अल्टीमेटली फिर इस वेदर वाले से गुजर के, और फिर स्टेटिक से गुजर के, और 404 हो जाएगा यहाँ पे, अगर किसी से भी बीच में हिट नहीं हुई तो। सही है, अब ये पूरा एक क्लासिक सर्वर की शक्ल अख्तियार कर गया है। इसका मतलब क्या है कि जी, अब चलो पहले वाले से अब शुरू करते हैं दोबारा, इसको अभी तक हमने हिट नहीं करके देखा ना, ज़रा इसको हिट करके भी देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक टूल हुआ करता था थंडर के नाम से, चलो थंडर को छोड़ो, पोस्टमैन का इस्तेमाल करते हैं। पोस्टमैन एक टूल है, चुन्ना मुन्ना सा टूल है। मेरा सर्वर भी रन कर लेता हूँ मैं, किधर गया मेरा सर्वर? अच्छा, मुझे ब्राउज़र चाहिए इधर, कोड एडिटर चाहिए इधर, और मैं cd करके कहाँ चला जाता हूँ, फोर सर्वर cd फोर एक्सप्रेस राउटर और npm रन dev, ठीक है। छोटे मोटे जो भी इश्यूज हैं, राउटर इज़ नॉट डिफाइंड, वेयर इज़ राउटर, क्या एरर दे दिया इसने मुझे, ऑथ डॉट जे एस के अंदर ये कह रहा है कि राउटर नहीं है।
ये पता है गड़बड़ क्या हुई है यहाँ पे? गड़बड़ यहाँ पे ही हुई है कि ये तो राउटर मैंने इसका नाम रख दिया है, तो ये वाला जो वेरिएबल होता है ना जो एक्सपोर्ट हो रहा होता है वो इधर अवेलेबल नहीं होता, वो इधर अवेलेबल नहीं होता है, तो इसका क्या करें यार, कोई दूसरे नाम से वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कोई दूसरे नाम से वेरिएबल बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि यार लेट API कर देता हूँ इसको मैं, इसको लेट राउटर ही रहने देते हैं और नीचे आके ना किसी और नाम से इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा नाम इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वो API इक्वल्स टू राउटर, ऐसे कर देते हैं। सही है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया हमने। क्यों? वो राउटर मैंने अगर उसको नाम देना था ना तो राउटर इधर अवेलेबल नहीं होता है फिर। ठीक है, मैंने नीचे सारा डिफरेंट नाम से इसको एक्सपोर्ट कर दिया है, API के नाम से एक्सपोर्ट कर दिया है, क्योंकि API के नाम से एक्सपोर्ट करूँगा तो वहाँ पे क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट मारा हुआ है तो वो नाम मैटर नहीं करता कि किस नाम से हो रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे करके करूँगा ना तो शायद ऐसे भी हो जाएगी, देखते हैं ऐसे होता है कि नहीं होता। राउटर इज़ नॉट डिफाइंड, ऐसे नहीं होगा भाई। अच्छा नहीं, हो गया ऐसे करके यार। चलो सब में बारी बारी फिर यही वाला चेंज कर देते हैं। सही है, चल गया। सही है, एक वेरिएबल बना के उसको मैंने नीचे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा दिया यहाँ से। अच्छा तो ये मेरा सर्वर क्या हो गया, चल गया और बिल्कुल सही रन होना शुरू हो गया अब मेरा सर्वर। अब अगर मैं एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ मेरे सर्वर पे, किस नाम की रिक्वेस्ट भेजता हूँ मैं? अगर मैं /API/V1/login भेजता हूँ अगर, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होगी रिक्वेस्ट और इसके अंदर दाखिल होगी। इसके अंदर दाखिल होने के बाद क्या होगी, इधर आके हिट होगी और ये दिस इज़ लॉगिन का मेरे पास रिस्पांस आ जाना चाहिए। चेक करके देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। लोकल होस्ट कॉलन 3000/API/V1/login। ठीक है, पोस्ट की रिक्वेस्ट है, सेंड का बटन दबाया तो क्या हुआ? अच्छा 3001 पे चल रहा है मेरा सर्वर। सही है, दिस इज़ लॉगिन और उसके आगे टाइम लिखा हुआ गया, तो मेरा कोड बिल्कुल सही चल रहा है, इसका मतलब है। अच्छा जी, अब चक्कर क्या है भाई? चक्कर ये है कि मैं हर जगह पे जाके ना, जैसे ऑथ में जाके देखो, मैंने यहाँ पे भी API V1, यहाँ पे भी API V1 लिखा हुआ है, इसका भी एक हल है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इस API V1 को कट कर दूँ। सही है, इंक्रीमेंटल वे में समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है सब लोगों को ये? /login मैंने कर दिया प्लेन, और यहां पे आके मैं क्या करता हूं, ये लगा देता हूं। अब और करना होगा क्या? ऐप डॉट यूज के बारे में मैंने क्या बताया था कि शुरू का राउट मैच कर दे, आगे कुछ भी हो मैटर नहीं करता। तो जब मेरे पास अब रिक्वेस्ट आएगी ना /API/V1/login, तो क्या ये इस पर हिट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सही है, इस पे ये लॉगिन ये हिट हो जाना चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, ये जब हिट हो जाएगा और इसके अंदर जब राउटिंग दाखिल होगी तो वो इसके आगे वाले से मैच करेगा। इसका मतलब ये हुआ है कि मेरा ये URL स्टिल कहाँ हिट करेगा? /login पे। सही है, तो मैंने वो API V1 अंदर लगाने के बजाय यहाँ बाहर लगा दिया। सही है, यहाँ से मैंने हटा दिया इसको। अब देखते हैं वो सेम तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हिट किया, सेम तरीके से काम कर लिया, समझ आया? अच्छा, इसी तरीके से मैं नीचे वालों के साथ भी यही करता हूँ अब।
सही है, सब पे मैंने ये चीज़ लगा दी, और इसके अंदर जाके मैंने क्या किया, ये स्लैश ए पी आई स्लैश वी वन ना सब में से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, इसी तरह मैंने ऑथ में से और कौन सा था मेरे पास, फीड था, फीड में से भी मैंने क्या कर दिया, स्लैश फीड कर दिया जस्ट। पोस्ट में भी मैंने क्या कर दिया, ठीक है, अंदर से मैंने स्लैश एपीआई स्लैश वी वन हटा दिया, वो मैंने बाहर लगा दिया। सही है, बाहर लगा दिया, ये बिल्कुल सही चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम अभी भी रह गई है, एक प्रॉब्लम ये रह गई है मेरे भाई कि मेरा जो वी वन और वी टू होगा वो तो दो अलग अलग एप्लीकेशन होगी ना, तो इन दोनों को भी अलग अलग फाइलों में होना चाहिए, असूलन तो इन दोनों को भी अलग अलग फाइलों में होना चाहिए, ये तो सेम फाइल में दोनों। अगर मैं कल को बनाता हूँ यहाँ पे वी टू बनाता हूँ अगर, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी के मतलब ऑथेंटिकेशन का मैं वी टू बनाता हूँ, तो एक तो तरीका ये होगा कि मैं यहाँ पे कर दूँ ऑथ वी टू ऐसे, और उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए मैं ख्याल रखूँ। एक तरीका ये होगा कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे फोल्डर बनाते वक्त ही ना, फोल्डर बनाते वक्त ही मैं क्या करूँ इसमें, क्या कर रहा हूँ ये मैं लिखूँ ए पी आई वी वन। अच्छा, इसी तरह ए पी आई वी वन और ए पी आई वी टू भी होगा, और मैं वी वन का कोड इस फोल्डर में और वी वन वी टू का कोड दूसरे फोल्डर में रखना चाहता हूँ। सेम तरीके से उसको ऑर्गेनाइज में कर सकता हूँ मिनी राउटर के जरिए। अच्छा, इस केस में मैं क्या करूँगा, मेरा वी टू तो अब इस खाली है इस वक्त, ये पूरा का पूरा राउट उठा के मैं कहाँ रख दूँगा, ए पी आई वी वन में कर दूँगा, क्योंकि ये सारा वी वन से मुतालिक है, सारा वी वन से मुतालिक है ये। अच्छा, इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इस राउट की एक कॉपी बनाऊँगा मैं, और यही सारे राउट मैंने कहाँ रख दिए, वी टू में भी रख दिए। सही है। अब देखो मेरे फोल्डर का स्ट्रक्चर जो है ना, ए पी आई वी वन स्लैश राउट, ए पी आई वी टू स्लैश राउट, इसमें भी ऑथेंटिकेशन मौजूद है। इसमें मैंने बोल दिया यहाँ पे ना रिस्पॉन्स में कि भाई लॉगिन ये वी वन वाला लॉगिन है, वी वन वाला साइन अप है ये, और इसके मैंने ऑथ में जाके बोल दिया कि भाई ये वी टू वाला लॉगिन है और ये वी टू वाला साइन अप है। सही है। अब मैं इसको ताकि डिस्टिंग्विश तो कर सकूँ ना, जब रिस्पॉन्स आए तो भाई सही ए पी आई हिट हुई है कि नहीं हुई, ये डिस्टिंग्विश तो मैं कर सकूँ ना। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा मेरे मेन सर्वर की फ़ाइल पे, यहाँ पे मुझे मेन सर्वर की फ़ाइल पे क्या करना पड़ेगा, एक तो तरीका ये हो सकता है। अच्छा, अब ज़ाहिर है जहाँ से इम्पोर्ट किया था वो जगह तो चेंज हो गई है ना, वो जगह क्या हो गई है, अब चेंज हो गई है, तो मुझे यहाँ पे ये बात मेंशन करनी होगी, ठीक है ना, कि ए पी आई वी वन स्लैश राउट से अभी ये सारा का सारा, और यही चारों चीज़ें अब कहाँ से, वी टू से भी इम्पोर्ट हो रही है मेरे पास, यही सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, वी टू से भी इम्पोर्ट हो रही हैं। तो अब यहाँ पे मैं बताऊँगा कि भाई वी टू है। सही है, ए पी आई वी वी टू, ये भी ऑथ राउटर है, ये भी ऑथ, अच्छा ये दोनों भी कॉन्फ्लिक्ट करेगा क्योंकि एक नाम से दो इम्पोर्ट नहीं हो सकते। सही है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे से ये यहाँ पे होगा ही नहीं, ये यहाँ पे मैं करी नहीं दो, फिर कितनों का मैं नाम चेंज करूँगा, तो नाम चेंज कर करके तो मसला हो जाएगा मेरे लिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान में भी एक मिनी राउटर बनेगा। अब मुझे तुम लोगों के चेहरे लग रहे हैं कि थोड़ा ऊपर से जाना शुरू हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन का चक्कर है ये सारा। अच्छा, जितना पहले बता दिया था वो तो समझ आ गया ना कि जी एक मेन पेज है मेरा और मैंने चार अलग अलग राउटर बना लिए हैं, चार अलग अलग सेटिंग है वो। अब बस थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर डालोगे तो ये आखिरी कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा, फिर उसके बाद आज की क्लास को हम क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ मैं जो है ना इसको एक अलग मैं कर लेता हूँ। ठीक है, वर्जन्स का इसको नाम दे देता हूँ मैं, जो पहले वाला था ना उसको मैं अंडू कर रहा हूँ, उसको पहले जैसा बना रहा हूँ।
ठीक है, राउट्स को मैंने वापस यहाँ निकाल दिया, API V1 और V2 का चक्कर मैं इसमें से ख़त्म कर देता हूँ, ये सीधे सीधे राउट्स हैं, इस इम्पोर्ट को भी वापस पहले जैसा कर देता हूँ, ठीक है। इस कोड को मैं इधर ही प्रिजर्व कर रहा हूँ, ये मैंने पहले जैसा कर दिया, ये ऑलरेडी चल भी रहा है ये वाला, तो ज़रा चला के भी देख लेते हैं। API/V1/login सही है, V1 वाला लॉगिन आ गया मेरे पास, ये प्लेन अभी रखा है इसको मैंने। अब वर्जन्स को ना अगला एक अलग से बना रहा हूँ मैं, उसमें वर्जन्स वाला काम कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आपको मैं अप्रोच बता रहा हूँ ना, ये अप्रोच बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन इस अप्रोच से पकड़ में आ जाती है, वरना ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन होगी ना, 400-500 APIs होंगी जिसके अंदर, तो वो फिर इतने आसानी से पकड़ में नहीं आती, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये किसी भी आप एंटरप्राइज कंपनी में जाएंगे ना, वहाँ पे सर्वर जो बनते हैं वो इसी अप्रोच से बनते हैं कि जी उसको ऑर्गेनाइज होगी, वो फाइलों में ऑर्गेनाइज हुआ हुआ होगा। वैसे तो आपको ये CTO करके देता है ये काम, स्ट्रक्चर बना के देगा, मगर जब वो CTO बना के देगा ना, जब आपके पास 200 फोल्डर होंगे एक के अंदर एक, तो आपको समझ तो आएगा ये हो क्या रहा है, आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप बुद्धू बन के ऐसे बैठे रहेंगे, फिर मज़ा नहीं आता वैसे, ठीक है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो मैंने इसको वापस प्लेन कर दिया, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक्सप्रेस राउटर को मैंने यहाँ पे कर दिया। एक्सप्रेस राउटर के वर्जन्स की जहाँ पे आप बात आ रही है ना, वहाँ पे मैंने ये काम किया है कि जी मेरे पास क्या है, एक अदद फोल्डर है API V1 API V2, और दोनों के अंदर राउट्स के नाम से चीज़ मौजूद है। और यहाँ पे अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसके दरमियान में एक राउटर और बनाने लगा हूँ मैं, इसके दरमियान में एक राउटर में और बनाने लगा हूँ। अच्छा, ये राउटर, अब ये सब चीज़ें यहाँ इम्पोर्ट नहीं हो रही होगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्ट अब नहीं हो रही होंगी, ख़त्म। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ इम्पोर्ट हो रही होगी, वो क्या हो रही होगी, V1 और V2, बस ये सब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ से बैरियर भी यहाँ से हम मूव करवा देंगे, सही है। हमारे पास सिर्फ इस फाइल में टोटल दो चीज़ें होंगी, API V1 का राउटर, API V2 का राउटर। अब जो हम चीज़ करने लगे ना, राउटर के अंदर राउटर कैसे बनता है वो असल में देखने जा रहे हैं, और वर्जन को इसके ज़रिए हैंडल किया जा सकता है। अभी तो पहले तो हमने ये किया था ना कि एक सीधी फाइल थी सर्वर की, और उसके अंदर राउटर का इस्तेमाल था। अब राउटर के अंदर मजीद राउटर कैसे होते हैं, अब वो हम इसमें देखने जा रहे हैं एक्चुअली। अच्छा, इसको मैं ऐसे कट करके और मैं टॉप पे ले आता हूँ, क्योंकि अब यही है मेरे पास, और कुछ होगा नहीं इसके अंदर ना। यानी मेरा जो सर्वर यहाँ से शुरू हुआ, और सिर्फ ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर। अच्छा, अब ये सारा का सारा जो ये ना मज़ीद आइटम जो है, ये वेदर और ये वो, ये सब मैं कहाँ पर मूव करवा दूँगा, एक दूसरे राउटर की फ़ाइल में मूव करवा दूँगा मैं। ये सबको मैंने कट किया, अब मेरा सर्वर कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ये मेरा सर्वर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगर API, अगर मेरे URL में /API/V1 होगा तो इसमें दाखिल हो जाएगा, /API/V2 होगा तो इसमें दाखिल हो जाएगा। अच्छा, अब ये फाइलें कहाँ पे बनी हुई होंगी, जाहिर है वो मेरे पास ये V1 के अंदर एक index.mjs के नाम से एक फ़ाइल होगी, ठीक है, V1 के अंदर index.mjs। इसी तरह V2 के अंदर भी क्या होगा, एक अदद index.mjs के नाम से फ़ाइल होगी, ठीक हो गया। अच्छा, V1 के index.mjs में जाऊंगा मैं, यहाँ पे क्या बनाऊंगा मैं, एक अदद राउटर बनाऊंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। वो सारा का सारा कोड जो मैंने उधर से कॉपी किया था यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, क्योंकि ये सारा जो है वो किससे मुताल्लिक है, ये V1 से मुताल्लिक है ये सारा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जाके मैंने एक राउटर बनाना है, राउटर बनाने का तरीका सेम वही है ये वाला, ये मैंने एक राउटर बना लिया यहाँ पे, ये मैं किस में मौजूद हूँ, API/V1 के index.mjs में मौजूद हूँ, ये राउटर बना लिया मैंने। अब यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, मैं राउटर डॉट करके सारी चीज़ें बना रहा हूँ, ये app.use है ना, app.use, इन सबको मैं कर दूँगा राउटर डॉट करके, और नीचे लास्ट में मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा इस राउटर को, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्चुअली राउटर एक्सपोर्ट हो गया ये, ठीक है। फिर इसी तरह का एक मैं राउटर बनाऊँगा V2 के अंदर जाके, V2 के index.mjs में, यहाँ पे भी एक राउटर इस तरह का बन गया। यहाँ पे उसको अब मैं इम्पोर्ट कर लूँगा ज़रा, ठीक है, API V1 राउटर फ्रॉम API V1। अच्छा, API V1 के बाद स्लैश में ना index.mjs लगा दूँ तो भी ठीक है, नहीं लगाऊँ तो भी ठीक है, क्योंकि इंडेक्स नाम की फ़ाइल वो खुद से उठा लेता है, फिलहाल मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह V2,
ये दो राउटर मैंने यहाँ उठा लिए और इन दोनों राउटर को यहाँ पे लगा दिया। अब मेरी जो मेन फाइल थी ना वो बिल्कुल क्लीन हो गई है, नोट कर रहे हैं आप, बिल्कुल क्लीन हो गई है। अच्छा, यहाँ से रिक्वेस्ट मेरी शुरू हुई, API URL के अंदर API/V1 लिखा हुआ था तो वो इसमें दाखिल हो गई। इस पर मैं कंट्रोल क्लिक से अंदर क्यों नहीं जा रहा, इसके गलत किया क्या कुछ मैंने यहाँ पर? अच्छा, कंट्रोल का बटन मैं गलत दबा रहा था, ठीक है, कंट्रोल एंटर किया तो ये V1 के राउटर में चला गया। V1 का ये राउटर है, अब नोट करो ये असल में राउटर है। यहाँ पे मजीद क्या बात लिखी हुई है, router.use API/V1 और auth route, लेकिन अब मैंने ये बात नहीं लिखनी है क्योंकि ये बात तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। मैं जस्ट auth route ही भेजूँगा इसको, मैं बोलूँगा auth route में जाओ सीधा बगैर किसी मजीद URL के, ठीक हो गया। अच्छा, auth route अगर login sign up है तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या है मेरे पास, ये एक अदद बैरियर लगा हुआ है, ठीक है। रिक्वेस्ट इस auth route में घुसेगी, login sign up मैच हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो इस वाले राउटर पर आ जाएगी। अच्छा, मजीद आगे बढ़े इन सबसे, मुझे अब ये API/V1 की अब मुझे ज़रूरत नहीं है अभी क्योंकि वो मैं बाहर ही हैंडल कर चुका हूँ, ठीक है। समझ आई ये वाली बात? अच्छा, अब लॉगिन साइन अप, उसके बाद ये बैरियर, और बैरियर के बाद वो चार जो आइटम थे ना हमारे, वो कौन से थे वो चारों आइटम? वो चारों आइटम मैंने वहाँ से रिमूव कर दिए थे, उसको मैंने कॉपी नहीं किया, पिछली वाली फाइल से जाके ज़रा उठा लेता हूँ उसको मैं। ये जो चार आइटम थे ना मेरे यहाँ पे, ये वाले, सही है, ये राउटर के अंदर हो रहा है सारा काम, याद रखना। अच्छा, अब मुझे इसमें स्लैश राउटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे, हाँ, स्लैश राउट, सही है ना, मैं V1 के फोल्डर में इस वक्त मौजूद हूँ, मैं V1 के फोल्डर में, तो स्लैश राउट्स करके ही मैं इसको उठाऊँगा, स्लैश राउट ऑथ राउट, बाकी ये तीन राउट जो है मुझे नीचे इसके लगाने हैं। ये भी मैं ज़रा वापस वहीं से उठा के ले आता हूँ। ठीक है जी, ये राउट हो गया, ये इसका बैरियर हो गया, और ये नीचे के हो गए सारे आइटम, ठीक है। उसके बाद हो गया स्लैश वेदर, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं राउटर ही लगाऊं, मैं प्लेन करके भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये वाला स्लैश वेदर जब हिट होगा तो यहाँ पे जो रिस्पांस जाएगा मेरे पास वो क्या होगा, वेदर इज़ नॉर्मल और V1, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ना API version = V1, सही है। रिस्पॉन्स में भी समटाइम मैं बता रहा होता हूँ कि ये वर्जन कौन सा हिट हुआ, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, ठीक हो गया। अच्छा, यही सारा काम जो V2 में भी होगा एज इट इज़, क्योंकि API सेम है, मेरे केस में अभी फ़िलहाल API बिल्कुल सेम है दोनों की, लेकिन दोनों के रिस्पॉन्स करने का और इनपुट आउटपुट के पैरामीटर्स थोड़े डिफरेंट हैं। अच्छा, तो मैं V2 में यहाँ पे चला जाता हूँ इधर, और V2 में जाके भी मैं यही सारा काम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये राउट आउट सब सेम रहेगा क्योंकि उसका बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एक जैसी है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, API V1 के अंदर जो ऑथेंटिकेशन है इसमें मैंने यहाँ पे V1 लगाया हुआ है, इसी तरह API के V2 का जो है ना मेरे पास जो राउट, उसमें मैं यहाँ पे आके V2 लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये दो अलग अलग API बनी हुई है मेरे पास, यहाँ से आके अब इसको चेक करते हैं। जब मैंने V1 का लॉगिन हिट करना है तो ये जवाब में मुझे V1 का लॉगिन मिलना चाहिए, जब मैं यहाँ से V2 का लॉगिन हिट करूँगा तो मुझे V2 का लॉगिन मिलना चाहिए। इसमें एरर आ गया, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ है, इसमें क्या गड़बड़ है? अच्छा, वो इसमें गड़बड़ असल में ये है कि ये पुरानी वाली ऐप चल रही है, पुरानी वाली ऐप को मैंने रोका नहीं है, मैंने क्योंकि दूसरा फोल्डर बना लिया है आपको समझाने के लिए, तो मैं इसको रोक देता हूँ, CD करके बैक आ जाता हूँ, और CD करके अब मैं किस में जा रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम असल में 5 होगा ना, सही है, और मैंने कहा कि CD5 और ऐसे करके मैं ऐप इज़ नॉट डिफाइंड, इसमें एक एरर आ गया, index.mjs ऐप इज़ नॉट डिफाइंड, कौन सा index.mjs है ये भाई? API V1 के अंदर जो index.mjs है, API V1 के अंदर जो index.mjs है इसमें ऐप इज़ नॉट डिफाइंड कह रहा है ये। अच्छा, ये app.use नहीं होगा ना, ये तो router.  होगा, ठीक है, सही, बिल्कुल इसने पॉइंट किया, ठीक है, वही V2 में भी वही चीज़ हुई हुई है, तो V2 में भी जाके मैं जब ये चेंज करूँगा तो ये मेरी ऐप बिल्कुल सही चल गई। वेल, तो अब मैं जाके जब V2 को हिट करूँ तो V2 का लॉगिन मिलना चाहिए मुझे, ठीक है, V2 का लॉगिन मिल रहा है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं V1 हिट करूँ तो मुझे
वी वन का लॉग इन मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने सर्वर के अंदर बाकायदा दो अलग अलग फोल्डर बना दिए और दो अलग अलग फोल्डर में मेरी API के दो वर्जन मौजूद हैं। दोनों वर्जन के अंदर लॉग इन साइन अप है, और जब मैं URL अपना चेंज करता हूँ, V1 की जगह V2 लगाता हूँ, तो वो वाला दूसरा वाला जाके हिट होता है, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ये उसी केस में समझ आएगा जब आप इसको हाथ से अपने करके देखेंगे। इधर देख के ही मुश्किल लग रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप सब लोगों ने अपने हाथ से ट्राई करके देखना है। आपकी आसानी के लिए मैंने दो अलग अलग फोल्डर बना दिए, ठीक है। अच्छा, आज से ऑनवर्ड्स ये वाला जो फोल्डर है ना, इसको हम लेके चलेंगे ऑनवर्ड्स। ये मैंने समझाने के लिए बताया, क्योंकि हम इस क्लास में दो वर्जन वाली API बनाने वाले नहीं हैं। हम एक ही वर्जन बना लें बड़ी बात है, टाइम लिमिटेड है हमारे पास, आपकी परफॉर्मेंस बहुत लो है, तो हम एक वर्जन वाला नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आउटलाइन पर वापस आते हैं। ज़रा हमने आज पढ़ लिया हाउ राउटिंग पाथ वर्क, मिनी राउटर को हमने देख लिया, हमने नेक्स्ट वगैरह को देख लिया, तो ये दोनों पॉइंट आज कवर हो गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लॉग इन साइनअप होगा विथ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल से हम छोटा सा एक लॉग इन साइनअप बनाएंगे, और उसके बाद हम फिर उसको डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे। हम उसको JWT वगैरह को हम देखेंगे, उसके बाद फाइल अपलोड करेंगे, हमारा Node.js फिर वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। Node.js कंप्लीट होने के बाद हम रिएक्ट शुरू करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ना हम क्या करें कि जब हम डेटाबेस का कनेक्शन बनाएं ना, और जब हम JWT वाला करें, तो JWT को इम्प्लीमेंट हम रिएक्ट के ऊपर कर लें। इस पॉइंट पर हम रिएक्ट पर मूव कर जाएँ, क्योंकि अभी तक हम जो भी इंटरेक्शन करते रहे हैं सर्वर से, वो हम प्लेन जावास्क्रिप्ट के ज़रिए करते रहे हैं। अच्छा, ऐसा करने का जो मेन रीज़न था मेरा, वो ये था कि कुछ लोग ना समझते हैं कि यार वो रिएक्ट पता नहीं क्या चीज़ है। इवन दो कि स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं कंपनीज की बात कर रहा हूँ, इतने गधे हैं वो लोग, लिखते हैं यार रिएक्ट की इंटर्नशिप है ये। आपने देखा अभी तक रिएक्ट हमने नहीं पढ़ा, सारे काम हो रहे हैं, सही है। रिएक्ट वो चीज़ है, एक फ्रेमवर्क है, आते और जाते रहते हैं। फ्रेमवर्क्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आते और जाते रहते हैं। अभी रिएक्ट के बाद ये नेक्स्ट है, अभी Vue.js सर उठा रहा है, हो सकता है वो आ जाए थोड़े दिनों में। HTML, CSS, JavaScript जो ये लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस निस्बतन लॉन्ग टर्म होती हैं थोड़ी, फ्रेमवर्क निस्बतन शॉर्ट टर्म होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो एक्सप्रेस का हमने ये अभी पढ़ा है फ्रेमवर्क, तो इस एक्सप्रेस के फ्रेमवर्क को हम पढ़ने के साथ साथ हमने Node.js को भी डिस्क्लोज किया है, Node.js को भी डिस्कवर किया है। तो Node.js इज़ अ लैंग्वेज, Node.js इज़ अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म निस्बतन लॉन्ग टर्म होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेमवर्क। सर्वर बनाने के एक्सप्रेस के अलावा भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, तो हमने इसको एक्सप्रेस को पढ़ने के दौरान हमने ना सिर्फ एक्सप्रेस को एक्सप्लोर किया, बल्कि Node.js itself को भी हमने एक्सप्लोर किया है, ठीक है। तो आपका जो ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो नेक्स्ट Node.js के ऊपर होना चाहिए, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, और उसमें क्या नई चीज़ें हैं, क्या डिफरेंट चीज़ें हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताता भी क्यों कि जी ये फ्रेमवर्क स्पेसिफिक है, ये Node.js स्पेसिफिक है, ठीक है। तो जी आपको जावास्क्रिप्ट की ऐप से जो सर्वर का इंटरेक्शन कराना है ना, इसका मेन मकसद ये था कि जी वो रिएक्ट जो है ना जस्ट एक रैपर है, ठीक है। असल चीज़ जो है वो जावास्क्रिप्ट ही है, रिएक्ट इज़ नथिंग बट जावास्क्रिप्ट। तो जो काम आप जावास्क्रिप्ट की ऐप से कर रहे हैं, यही सेम काम आपने रिएक्ट की ऐप से करना है, ठीक है। तो हम थोड़े दिनों में हम क्या करेंगे कि दरमियान में हम रिएक्ट के ऊपर मूव कर जाएंगे, फिर यही सारे काम हम रिएक्ट पे कर रहे होंगे। अच्छा, रिएक्ट में क्या है जी कि थोड़ी सी आसानियाँ हैं, फ्रेमवर्क है क्योंकि, तो थोड़ी सी आसानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट टाइम में अचीव हो जाती हैं निस्बतन इसके, ठीक है। वो जब हम इंशाल्लाह करेंगे तो फिर वो पता चलता रहेगा हमें कि क्या चीज़ है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आपका असाइनमेंट क्या है, आपका असाइनमेंट ये कि ये API जो हमने बनाई है ना अभी /API/V1 वाला, इसको हाथ से अपने बना ज़रूर लेना। मैं चेक नहीं करूँगा ये असाइनमेंट, लेकिन बना लेना। अच्छा, क्यों ये भी बता देता हूँ कि मैं चेक क्यों नहीं करूँगा, और असाइनमेंट में आगे दूंगा वो मैं चेक भी करूंगा, लेकिन ये वाला मैं चेक नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। देखो भाई, अभी से जो ऑनवर्ड्स हम करने जा रहे हैं ना चीज़ें, उसमें ना अब मैं रुक नहीं सकता, मैं ब्रेक नहीं ले सकता, अब ये बहुत तेज़ी से चलेंगी चीज़ें आगे। इस पॉइंट के बाद जो क्लास में रहे या ना रहे या मैटर नहीं करता। अभी से पहले क्या था, आपको बच्चों की तरह बोल बोल के चीज़ें करवा रही जा रही थी कि यार नहीं कर रहा बंदा तो घसीट लो, साथ में ला लो। अब ट्रेन हमारी पकड़ चुकी है स्पीड, अब जब ट्रेन स्पीड पकड़ लेते हैं ना, तो फिर अब जो नीचे रह गया वो नीचे रह गया, जो ऊपर आ गया वो ऊपर आ गया। अभी तक जिसने प्रैक्टिस नहीं की थी उसको आगे का वैसे भी समझ नहीं आएगा कुछ, ठीक है। तो अब आगे जो है वो हर, अब आप सीनियर क्लास हो चुके हैं बाकायदा, आज के बाद जो भी मैं चीज़ यहाँ पर पढ़ाऊँगा, क्लास के आखिर में एक असाइनमेंट दूँगा, मेरा दिल किया तो मैं चेक कर लूँगा असाइनमेंट, दिल किया तो नहीं चेक करूँगा, वो मेरी मर्ज़ी है, ठीक है।
लेकिन अभी आप ये समझ लें कि अब हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो इंडस्ट्री में बाकायदा जो चीज़ें हो रही हैं वो करने जा रहे हैं। ये जॉब ओरिएंटेड चीज़ें जो अभी से हम ऑनवर्ड्स हम करने जा रहे हैं। ये सर्वर लिखना इस तरह का जो मैंने अभी सर्वर आपको लिख के बताया ना, ये काम CTO करता है, जो एक किसी सॉफ्टवेयर डेवलप्स किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो CTO होता है ना, उसका काम ये होता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के देता है कि फोल्डर का की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी। CTO कौन होता है? जो किसी भी अदारे में सबसे टॉप पे होता है, चीफ टेक्नोलॉजी पता नहीं ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर कहते हैं। तो टेक्निकल जो टेक्निकली लीड कर रहा होता है ना, वो CEO नहीं होता। CEO तो एग्जीक्यूटिव होता है ना। CEO का तो काम ही होता है कि अच्छा जी नलका अगर टूट गया तो उसको रिपेयर करना है कि नया लगाना है। CEO जो होता है उसका काम ये होता है कि जी अच्छा जी किसी रूम का AC ख़राब हो गया अगर, तो उसको रिपेयर करना है या नया लगाना है, ये डिसीजन लेना उसका काम होता है, करना काम नहीं होता उसका। ठीक है, ये तो मैं खैर मिसाल से कह रहा हूँ। CEO का काम ये होता है, जैसे फेसबुक है, अब फेसबुक में भाई उसका नाम ख़राब हो गया है तो अब उसका नाम चेंज करना है या फेसबुक को बंद करके नया माल चलाना है, ये डिसीजन लेना उसका काम होता है। बनाना डेवलपर ने, और डेवलपर को लीड करता है CTO। ठीक है, तो वो उस लेवल की चीज़ हम आप करने जा रहे हैं जो CTO करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएँ, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाएँ, तो आप अगर लीड पोजिशन पर जाएँ ना, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करने वाली हैं। ठीक है जी, चलें भाई।